The events, characters and entities depicted in this film are fictional. Any resemblance or similarity to any actual events, entities or persons, whether living or dead, is entirely coincidental. नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है, और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। विच्छल देव शिवगामी की संतान, जिसे भल्लाल देव के नाम से जाना जाता है, भय अखंड महिष्मति साम्राज्य का राजा धीराज, इस राज्य के कल्याण का महान उत्तरदायित्व विधि पूर्वक निर्वहन करूंगा। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक लगना करती, मैं तुम्हारा हूं। जो धर्म मेरी मां ने मुझे सिखाया है, उसे साक्षी मानकर वचन देता हूं, गौरव और मर्यादा पर किसी भी परिस्थिति में आंच नहीं आने दूंगा। बाहुबली के लिए डर रहे हो? समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर देता है, वो क्षण ही नहीं है। महेंद्र बाहुबली अब लौट आया है। में आई मूवी जिसने बना दिए एक के बाद एक रिकॉर्ड्स, शुरुआत की पैन इंडियन फिल्म्स की, नॉर्थ इंडियन ऑडियंस को बना दिया साउथ इंडस्ट्री का दीवाना। वो आज भी करती है हमारे दिलों में राज, और जब भी टीवी पर आती है हम देखने बैठ जाते। जी हाँ, सही सोचा आपने, वो कोई और मूवी नहीं बल्कि प्रभास और SS राजामौली का क्रिएट किया हुआ मैजिक है, बाहुबली। लेकिन क्यों ये मूवी इतनी खास है, तो चलिए आपको बताते हैं मूवी की मेकिंग से जुड़े कुछ फैक्ट्स जो बनाते हैं इस मूवी को बहुत ही खास। तो सबसे पहले तो इस मूवी का प्री प्रोडक्शन वर्क ही 1 साल चला था, फिर इस मूवी को 2 सालों तक शूट किया गया, और फिर 6 महीने लगाए थे पोस्ट प्रोडक्शन में, तब जाकर ये मैजिकल मूवी बनी थी। इसके साथ ही बाहुबली इंडियन सिनेमा की शाहरुख खान की रावण के बाद दूसरी ऐसी मूवी थी जिसमें हैवी VFX इस्तेमाल किए गए थे। इस मूवी के VFX के लिए 17 VFX कंपनीज और 600 VFX आर्टिस्ट ने किया था काम, जिनमें से एक थी TAU फिल्म्स, जो लाइफ ऑफ पाई, एक्समैन और अवतार जैसी फिल्मों की VFX में काम कर चुकी थी। इसके साथ ही कहा जाता है कि मूवी के 90% हिस्से में VFX का इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, VFX शॉट्स की अगर कॉस्ट की बात की जाए तो 1 मिनट के हिसाब से 5,000 रुपए खर्च हुए थे। साथ ही महेशमति का मेस्मराइजिंग किंगडम, जिसने हमें याद दिला दी थी राजा महाराजाओं के वक्त की, और उस पूरे राज्य को बनाने में 1,000 वर्कर्स ने पूरे 200 दिन तक काम किया था, और 200 एकड़ जमीन पर इस महेशमति राज्य को बनाया गया।
बाहुबली के दोनों ही लीड एक्टर प्रभास और राणा दग्गुबाती ने इस मूवी को परफेक्ट बनाने के लिए कोई कसर नहीं तो छोड़ी थी और मूवी के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी ली, जिसमें उन्होंने मार्शल आर्ट, हॉर्स राइडिंग और स्वो फाइटिंग सीखी, और वो भी वियतनाम के स्टंट कोरियोग्राफर पीटर के साथ। साथ ही ये मूवी उस समय 250 करोड़ के बजट में बनी थी और इतना ही नहीं, इस बजट के 40% दूसरे पार्ट के लिए भी इस्तेमाल हुए थे। अब बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन्स तक ऐसा कोई नहीं होगा जो बाहुबली मूवी के बारे में नहीं जानता होगा। लगभग सभी ने ये मूवी 4 या 5 बार तो देखी होगी और हमारे टेलीविजन पर भी हर हफ्ते एक बार तो कहीं ना कहीं बाहुबली मूवी आती ही है। बाहुबली द कन्फ्यूजन 2017 में आई थी, मूवी को रिलीज हुई 4 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन फिर भी मूवी का क्रेज कम नहीं हुआ है। डायलॉग से लेकर एक्शन, गाने, सब कुछ अभी भी ट्रेंडिंग में है और इसलिए बाहुबली इंडिया की नंबर 1 मूवी है और अब सभी फैंस बाहुबली 3 की नई दुनिया का वेट कर रहे हैं कि कब पार्ट 3 रिलीज होगी। अगर हम बाहुबली मूवी की एक्शन की बात करें तो मूवी का एक्शन हॉलीवुड मूवी के लेवल का था, साथ ही विजुअल्स, VFX इफेक्ट सब कुछ एकदम परफेक्ट था। मूवी की सिनेमेटोग्राफी बेस्ट थी जिसने हमें हॉलीवुड की सैर कराई। हॉलीवुड की काफी ऐसी फिल्में और सीरीज है जो बाहुबली जैसी हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले थी लॉर्ड ऑफ रिंग्स ट्रायलॉजी। ये तीनों फिल्में एडवेंचर्स और फैंटेसी से भरी हुई है और इसमें मिडाइवल एरा के वक्त का, साथ ही इसमें रोमांस, ट्रेजेडी, पॉलिटिक्स एंड एक्शन भी है, और जो बाहुबली जैसा ही है। उसके बाद अमेरिकन वॉर फिल्म 300, जिसको काफी सारे फैंस ने बाहुबली के साथ कई बार कंपेयर ऑलरेडी कर रखा है। इसमें भी दमदार वॉर एक्शन दिखाया गया है। उसके बाद है ग्लैडिएटर, डिटेल्स ऑफ ग्लैडिएटर्स जो रोमन रूलर्स थे उनकी कहानी पर बेस्ड है। इस मूवी के एक्शन सीक्वेंस और डायलॉग्स काफी दमदार है। इसके बाद अगर हम सीरीज की बात करें तो नेटफ्लिक्स की राइन जो मारी दी क्वीन ऑफ स्कॉट्स एंड एलिजाबेथ की राइज और राइन की कहानी है, इसमें भी एक्शन, पॉलिटिक्स, ड्रामा एंड रोमांस है। और उसके बाद है ब्रेव हार्ट, शो स्कॉटलैंड की फ्रीडम बैटल के बेस पर बनाई गई मूवी है और ये भी एक्शन पैक ड्रामा मूवी है। बाहुबली 3 के डायरेक्टर एस एस राजामौली की मूवी RRR में भी उन्होंने हॉलीवुड एक्टर्स को कास्ट किया था। अब देखना होगा कि बाहुबली 3 में भी वो कास्ट करते हैं या नहीं, आप बताओ कमेंट सेक्शन में, फिर मिलेंगे। शिवगामी देवी देवसेना के बारे में गलत थी क्योंकि उन्हें लगता था कि उसके आने से माहिष्मति तबाह हो जाएगा, लेकिन माहिष्मति की जगह कुंतल देश ही तबाह हो गया। और अगर आपको याद हो देवसेना की माहिष्मति में एंट्री वाला सीन, जब वो बाहुबली के साथ आ रही थी तब उनकी नाव पर जो कुंतल देश का झंडा था वो माहिष्मति की बड़ी बड़ी प्रतिमाओं से टकराकर टूट जाता है, जो कुंतल देश के विनाश का ही संकेत था। और यही खूबसूरती थी SS राजामौली की नरेशन की, जिन्होंने फिल्म में दिखाई गई एक एक छोटी से छोटी डिटेल को ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है। इसके पहले जब बाहुबली और कटप्पा जब कुंतल देश आए थे और वहां पर पिंडारियों ने हमला कर दिया था, तब कटप्पा बाहुबली को बताता है कि ये पिंडारी जल समाधि बनाकर रहते हैं, और फाइट के बाद बाहुबली उन्हें उन्हीं के रहने के तरीके से मारता है, उन्हें पानी में डुबा देता है और यहाँ वो कुंतल देश को बचा लेता है। लेकिन उसके और देवसेना की वजह से ही कुंतल देश का सर्वनाश हो जाता है। लेकिन अब बाहुबली 3 में कुंतल देश का क्या होगा, क्योंकि अवंतिका और उसके जो साथी थे वो सालों तक भटके और देवसेना को छुड़ाने की जंग लड़ रहे थे। तो अब जब बाहुबली 2 के एंड में सब कुछ ठीक हो गया है और देवसेना राजमाता बन गई है और महेंद्र बाहुबली राजा बन गया है, तो क्या अवंतिका को कुंतल देश सौंपा जाएगा? वैसे तो अगर अवंतिका बाहुबली से शादी करती है तो वो माहिष्मति की महारानी बनेगी, लेकिन यहाँ एक और वैलिड क्वेश्चन ये भी है कि क्या बाहुबली महाराज और अवंतिका महारानी बनने के लिए तैयार है, क्योंकि बाहुबली ने अपने 25 साल शिवाडू बनकर बिताए हैं और अवंतिका ने देवसेना की तलाश में। भले ही ये दोनों शस्त्र विद्या में माहिर है, लेकिन कोई भी राज्य सिर्फ शस्त्र विद्या से नहीं चलता है, इसलिए राजमाता देवसेना ये जिम्मेदारी ना अपने हाथों में लेगी, जैसे कि शिवकामी ने ली थी। वो अवंतिका को कुंतल देश संभालने को कहेगी और बाहुबली को माहिष्मति, और इस तरह से दोनों को ट्रेनिंग देगी ताकि दोनों माहिष्मति के योग्य बन पाए। इसके साथ ही एक और सवाल ये भी है दोस्तों कि अब कटप्पा क्या होगा, क्या अभी भी वो और उसके लोग माहिष्मति के सिंहासन के गुलाम बनकर रहेंगे? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर वो उसके साथ अन्याय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ना ये पूरी पॉसिबिलिटी बनती है कि महेंद्र बाहुबली और देवसेना कटप्पा को उसके पूर्वजों के वचनों से मुक्त कर उससे आजाद कर देंगे, और जैसा कि खबरें उड़ रही है कि ये एक स्पिन ऑफ होने वाला है, तो पॉसिबली हमें कटप्पा का पास्ट और उसे माहिष्मति का गुलाम होने का वचन क्यों देना पड़ा था, इस बात से पर्दा भी उठाया जा सकता है। तो आपका इन सब पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।
जिसकी मृत्यु का समय नहीं। उसे कोई नहीं मार सकता। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाहुबली 3 कब बनेगी और क्या होगी इसकी कहानी। और जब से राजा मौली और प्रभास ने अपने रीसेंट इंटरव्यूज में कहा है कि बाहुबली 3 जरूर बनेगी, लेकिन कब कहां ये नहीं कहा जा सकता, तब से फैंस की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है और फैंस कहानी का बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। अगर हम बाहुबली 3 की कहानी के बारे में बात करें तो कहानी बाहुबली बिफोर द बिगिनिंग की जो नॉवल सीरीज है उस पर बेस्ड हो सकती है। आपको बता दें कि इस नॉवल के 3 पार्ट्स हैं और इसका पहला पार्ट बाहुबली दी कंक्लूजन के बाद 2017 में ही रिलीज हो चुका था और उसके बाद 2020 तक 2 और पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं। पहले बाहुबली बिफोर द बिगिनिंग नाम की नेटफ्लिक्स सीरीज की 2018 में ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हुई थी और ये सीरीज SS राजा मौली और आर्का मीडिया वर्क्स प्रोड्यूस करने वाले थे, जो आनंद नीलकंतन ने लिखी है, जो बाहुबली फ्रेंचाइज के पार्ट के तौर पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन किसी रीजन से वजह से नेटफ्लिक्स ने अपना ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। आनंद एक ऑथर, कॉलमनिस्ट, स्क्रीन राइटर एंड पब्लिक स्पीकर हैं, जिन्होंने 11 से भी ज़्यादा माइथोलॉजिकल फिक्शन नॉवल इंग्लिश और मलयालम में लिखी हैं और वो अपनी कहानियों को एंटागोनिस्ट और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से बनाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है, जो एक काफ़ी यूनिक स्टाइल है, क्योंकि जो विलन होता है उसके विलन बनने के पीछे की कहानी काफ़ी इमोशनल और सैड होती है। उन्होंने असुरा टेल ऑफ द वैंक्विश्ड से अपना डेब्यू किया था। ये कहानी भी एपिक रामायण पर ही बेस्ड थी और इसमें उन्होंने रावण के पर्सपेक्टिव से रामायण की कहानी बताई थी। उनकी बुक्स तमिल, हिंदू, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, बंगाली, गुजराती, आसामीज, इंग्लिश और इंडोनेशियन में भी रिलीज होती है। बाहुबली क्या होगी, कैसी होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बताए हमें कॉमेंट सेक्शन में कि आप कितने एक्साइटेड हो। हम फिर मिलेंगे। बाय। जिसकी मृत्यु का समय उसे कोई नहीं मार सकता। बाहुबली 3 में हमें किरदार तो शायद वही देखने को मिलेंगे, लेकिन कहानी नई होगी। आजकल साइंस फिक्शन वाली कहानियों का ट्रेंड चल रहा है और साथ ही हमारी माइथोलॉजी में भी कई ऐसी कहानियां हैं जिसमें इविल फोर्सेस की बातें दिखाई गई हैं। तो इस बार हम ऐसा सोच सकते हैं कि शायद बाहुबली 3 में हमें ऐसा ही कुछ फिक्शनल देखने को मिले। बाहुबली 2 के एंडिंग में हमने ये देखा था कि महेंद्र बाहुबली ने मूवी के मेन विलन भलाल देव को मार दिया था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्ट 3 में भलाल देव का रिबॉर्न हो, क्योंकि वो एक बहुत ही बेरहम इंसान था जिसके कंपैरिजन डेविल या जिसको ब्रह्म राक्षस कहा जाता है वो था, और फिक्शनल वर्ल्ड में ऐसे डेविल को कोई बैड विच अपनी मैजिक से रिबॉर्न कर सकती है और वो 2 गुनी पावर्स के साथ फिर से जन्म लेता है और उसका एक ही मकसद होता है, अपने मारने वाले को मारना और बदला लेना। अगर भलाल देव वापस आता है तो वो बाहुबली के ही पीछे जाएगा और इस बार हो सकता है कि बाहुबली को उसका सामना करना पड़े, वो भी किसी मैजिक या सुपर पावर की ज़रूरत पड़े, क्योंकि इस बार विलेन की शक्ति ज़्यादा होने वाली है और वो हीरो पर भारी पड़ सकता है। लेकिन तभी कोई न्यू एंट्री भी होगी जो बाहुबली को मदद कर सकता है या फिर कर सकती है, या पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि महेंद्र बाहुबली और अवंतिका का जो बच्चा हो उसी में कोई मैजिकल पावर्स हो और वही डेविल भलाल देव को ख़त्म करने की क्षमता रखता हो। होने के लिए कुछ भी हो सकता है और सोचने वाली बात ये भी है कि क्या महेंद्र बाहुबली का बेटा भी उसके जैसा ही दिखेगा या इस बार किसी और सुपरस्टार को कास्ट किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही जब भी हम बाहुबली देखते हैं तब हमें कई सारे सवाल होते हैं कि अमेंद्र बाहुबली की माँ कहाँ थी, क्या भलाल देव की पत्नी कौन थी और किस तरह से महेशमति एक बड़ा राज्य बना था, इसमें से बाहुबली की माँ कौन थी, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज तक आपको नहीं मिला है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अमेंद्र बाहुबली की माँ का नाम था अकीला था। हालांकि जब कटप्पा पहले पार्ट में महेंद्र बाहुबली को सारी कहानी बताता है तब अमेंद्र की माँ का नाम रिवील नहीं किया करता, सिर्फ यही बताता है कि उनकी मौत बच्चे को जन्म देते वक्त हो गई थी, लेकिन बाहुबली दी लॉस्ट लेजेंड्स में अमेंद्र बाहुबली का थोड़ा जिक्र है। खैर, महेंद्र बाहुबली। हेलो, नमस्ते।
जिसकी मृत्यु का समय नहीं। राइटर मूव फिल्म बनाने के लिए पहला व्यक्ति होता है राइटर, जिसे अपने एंड से बेस्ट देना होता है, क्योंकि राइटर के एफर्ट्स और क्रिएटिविटी पर ही उस मूवी का फ्यूचर टिका रहता है। आनंद नीलकंठ, जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है, ये माइथोलॉजी राइटर है। महाभारत, असुर और बाहुबली की शिवगामी की बुक भी इन्होंने लिखी। आनंद नीलकंठ को बाहुबली पर बनी फिल्मों के डायरेक्टर SS राजामौली ने हैदराबाद बुलाया था। उन्होंने उनकी बुक असुर और दुर्योधन की महाभारत पढ़ी थी। SS राजामौली का कहना था कि वो पर्दे पर दोनों फिल्मों में महज 5-6 घंटे की स्टोरी दिखा पाए, लेकिन बाहुबली की स्टोरी काफी बड़ी है, इसलिए वो चाहते थे कि आनंद नीलकंठ बाहुबली से पहले की कहानी को किताब की शक्ल में लोगों के सामने लाए। इसके लिए उन्होंने आनंद का एक टेस्ट लिया, जिसमें अलग अलग सिचुएशंस, आनंद पहले से भी टीवी पर माइथोलॉजी बेस्ड टीवी शो लिखते थे, इसलिए आनंद का लिखा हुआ राजामौली को पसंद आ गया और उसके बाद उन लोगों के बीच ऑफिशियली बाहुबली सीरीज पर बुक लिखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ। हालांकि इसके लिए आनंद को सिर्फ 100 दिनों का वक्त मिला। बुक शिवगामी स्टोरी पूरी तरह आनंद की फ्रिक्शन पर बेस्ड है। राजामौली ने उन्हें गाइडलाइन के तौर पर सिर्फ उनकी फिल्म में मौजूद कैरेक्टर्स यानी कटप्पा, बिट्रल देव और शिवगामी आदि को लेकर कुछ कंडीशन दी थी कि वे ऐसे कर सकते हैं और ऐसे नहीं। इसके अलावा किताब के सारे कैरेक्टर्स और कंडीशंस आप खुश आनंद की इमेजिनेशन पर बेस्ड थे। उसके लिए राजामौली ने उन्हें फुल फ्रीडम दी। आनंद ने पहले भी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर लिखा है, इसलिए इन्हें इस बुक के लिए नए कैरेक्टर प्लान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आनंद रोजाना सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक एक किताब लिखते हैं। इस दौरान काफी शांति होती है, जिस वजह से उन्हें फोकस बनाने में मदद मिलती है। हालांकि उन्हें लिखने के लिए कोई खास एफर्ट नहीं करने पड़ते, यही वजह है कि वो कहीं पर भी बैठकर लिख सकते हैं। वो घर पर रह कर बुक्स लिखते हैं। इसके अलावा वायनाड में भी उनका एक छोटा रिजॉर्ट है, कभी कभी वहाँ पर चले जाते। दरअसल उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो एक बार में कई प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। आनंद की लिखी किताब की इमेजिनेशन पर ही बाहुबली 3 का कुछ हिस्सा शूट होगा, लेकिन राइटर में नाम राजामौली और आनंद दोनों का आएगा, क्योंकि आइडियाज तो राजामौली के ही थे और इमेजिनेशन आनंद की थी। खैर, अब देखते हैं आपको क्या लगता है, बताएं हमें कॉमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे, बाय। आप सभी का स्वागत है बॉलीराज स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का तिवारी। अगर हम सोचे कि क्यों बॉलीवुड बाहुबली जैसी फिल्म नहीं बना पाता या कभी नहीं बना पाएगा, तो उसकी सबसे पहली वजह यह है कि बाहुबली की दोनों फिल्में लगभग 600 से 700 करोड़ में बनी है और पूरा और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हेलो, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। SS राजामौली फिल्में बनाने में वक्त काफी लेते हैं, लेकिन उनका हार्ड वर्क ना उन्हें कामयाबी भी उतनी ही दिलाता है, फिर वो बाहुबली हो या RRR। लेकिन उनकी इन दोनों मास्टर फिल्मों में दोस्तों काफी ज्यादा डिफरेंसेस भी हैं। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि राजामौली साहब का डायरेक्शन काफी इम्प्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे बाहुबली की बात की जाए तो बाहुबली का डायरेक्ट कनेक्शन बनता है महाभारत से, क्योंकि दो भाइयों के बीच की लड़ाई है राज सिंहासन को हासिल करने के लिए। साथ ही इसमें कटप्पा का किरदार भीष्म पितामह से और शिवगामी देवी का किरदार हस्तिनापुर की राजमाता से इंस्पायर्ड है। साथ ही बजाल देव शकुनी से इंस्पायर्ड है, तो वहीं भल्लाल देव का किरदार दुर्योधन से मिलता जुलता है। लेकिन इन सारे कनेक्शंस में काफी सारी कमियां भी है, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह से फिल्माया नहीं गया है। और देखा जाए तो बाहुबली द लायन किंग से टोटली मिलती जुलती है। हालांकि लायन किंग भी महाभारत से ताल्लुक रखती है, लेकिन दोनों में काफी सारे अंतर भी हैं। लेकिन द लायन किंग और बाहुबली दोनों ही एग्जैक्ट सेम है, और इसी वजह से बाहुबली को इतनी सफलता मिलने के बाद भी उसे चीप कॉपी ऑफ द लायन किंग कहा गया था। तो वही बात की जाए दोस्तों RRR की, तो उसमें जो रामायण का कनेक्शन दिखाया गया है वो काफी हद तक अच्छे से दिखाया गया था। मानो बाहुबली में जो कमियां थी उसे RRR में पूरा कर दिया गया, जैसे कि क्लाइमेक्स में रामचरण का राम का श्री राम की तरह धनुष बाण लेकर आना और पूरी की पूरी ब्रिटिश आर्मी को खत्म कर देना। उसके बाद भीम का जो कैरेक्टर था वो हनुमान से इंस्पायर्ड था, क्योंकि जैसे हनुमान जी श्री राम और सीता माता के मिलन की कड़ी बने थे, उसी तरह से भीम भी राम और सीता के मिलन की कड़ी बने थे। और इन दोनों सीन्स में जो रामायण का कनेक्शन है वो काफी एक्यूरेट है और उसे विजुअलाइज भी अच्छे से किया गया था, जो बाहुबली में मिसिंग था। और शायद यही वजह है कि बाहुबली हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म तो रही, लेकिन वो हमें ऑस्कर तक नहीं ले जा पाई। साथ ही हाल ही में आई सीतारामन मूवी, जिसे काफी पसंद किया गया था, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मॉडर्न वर्जन ऑफ रामायण का। और इसी
इसी तरह की एक्सपेक्टेशंस हमें बाहुबली 3 से भी है दोस्तों। इस बार ससुराल जमौली ट्रिपल आर की तरह ही बाहुबली 3 में भी अच्छा कनेक्शन दिखाएंगे, तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी। पार्ट प्रोडक्शन हाउस के पास जाता है ना कि किसी पर्टिकुलर इंसान के पास। जबकि बॉलीवुड में अगर ऐसी कोई बड़े बजट की फिल्म बनेगी तो उसका सारा फंड किसी दो या तीन पर्सन के पास पहले जाता है और प्रोडक्शन में बाद में आता है। अब अगर हम दूसरे वजह की बात करें तो वो है कि बाहुबली फिल्म बनने में लगभग 5 साल से ज्यादा का वक्त लगा था और फिल्म की पूरी कास्ट फिल्म के साथ डेडिकेटेड रही थी, जबकि बॉलीवुड का कोई भी एक्टर अपने करियर का इतना वक्त किसी एक फिल्म को नहीं देगा। तीसरी और सबसे अहम वजह यह है कि बाहुबली के सभी किरदारों को एक जैसा रखा गया था, फिर चाहे वो मेन एक्टर हो या फिर सपोर्टिव एक्टर्स, सभी की कहानी अलग थी, सभी को एक एक जैसी अपॉर्चुनिटी दी गई थी। जबकि बॉलीवुड में ऐसा कभी नहीं होता, उसमें सपोर्टिव एक्टर्स को हमेशा पीछे ही रखा जाता है और उनका इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं होता और फिल्म का पूरा फोकस लीड रोल पर ही किया जाता है। इसके बाद अगर हम चौथी वजह पर आए तो बनता है स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स। भाई बाहुबली की सभी फीमेल लीड, शिवगामी, देवसेना या वंती का सभी का किरदार स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था, जबकि बॉलीवुड की विमेन सेंट्रिक फिल्म में भी उनका किरदार इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। आखिरी और पांचवी वजह बनती है दोस्तों फिल्म की मार्केटिंग। बाहुबली फिल्म की मार्केटिंग और प्रमोशन काफी बड़े पैमाने पर किए गए थे, जबकि बॉलीवुड की फिल्में भले ही बड़े प्रोडक्शन हाउस से बनती हैं लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कहीं ना कहीं वीक हो ही जाती है। और इन सभी रीजंस की वजह से दोस्तों बॉलीवुड कभी भी बाहुबली जैसी फिल्में नहीं बना सकता है। अब आपको बता दूं कि और अब इंतजार है दोस्तों बाहुबली फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट यानी कि बाहुबली 3 का, जिसकी हिंट्स फिल्म के डायरेक्टर राजामौली ने और बाहुबली विभास ने अपने रिसेंट इंटरव्यूज में काफी बार दिए हैं। बाहुबली पार्ट 3 में भी हमें स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाली है, जैसे कि देवसेना और अवंतिका। उनके साथ साथ हम किसी और नए कैरेक्टर की भी एंट्री के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। बाहुबली की जिंदगी में और बाहुबली फिल्म में राजमाता, शिवगामी, देवसेना और अवंतिका तीनों का ही रोल काफी इंपॉर्टेंट है और तीनों ही एक्ट्रेस ने अपना किरदार बखूबी निभाया भी है। इनके बगैर हम बाहुबली फिल्म को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं और इस बार भी फिल्म में विमेन एम्पावरमेंट देखने को मिलने वाला है। साथ ही अगर हम फिल्म के ड्यूरेशन की बात करें तो बाहुबली के पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को बनाने में लगभग 5 साल का वक्त लगा था और दोस्तों इस बार बाहुबली 3 की स्क्रिप्टिंग पर भी अभी काम किया जा रहा है। सेट तो रेडी है ही और मेन कैरेक्टर्स भी डेडिकेटेड है, तो बाहुबली 3 को बनने में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 साल लग सकते हैं। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों अब अगर आप मेरी तरह हॉलीवुड फिल्म लवर हैं तो आपको कई सारे ऐसे सीन बाहुबली में मिलेंगे जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि ये तो कहीं देखा हुआ है। भाई बाहुबली के दीवारा सॉन्ग में कई सारे ऐसे सीन हैं जो हम पहले अलग अलग मूवीज में देख चुके हैं, जैसे कि वो दौड़ने वाला सीन हम अवतार मूवी में देख चुके हैं और अवंतिका के शरीर पर जो बटरफ्लाई रहती है उसे भी हम दोस्तों अवतार मूवी में देख चुके हैं। शिवा का जल पर्वत पर चढ़ने वाला सीन उसे हम पहले 300 मूवी में देख चुके हैं जो 2006 में आई थी। शिवा का जल पर्वत से गिरकर लटकने वाला सीन हम 2005 में आई किंग कॉन्ग मूवी में देख चुके हैं और जल पर्वत से कूदने और तीर चलाने वाला सीन आप लोग नहीं भूले होंगे ना, इस सीन को हमने एवेंजर्स मूवी में देखा था। हमने ये सीन हॉकाई को पहले करते हुए देख चुके हैं दोस्तों, बस फर्क इतना है कि हॉकाई बिल्डिंग से जंप मारे थे और दोस्तों शिवा पर्वत से। दोस्तों उसके बाद बल्लाल देव और भैंसी का सीन भी फैबुलस है लेकिन इसे भी हम हरक्यूलिस मूवी में देख चुके हैं। अवंतिका और शिवा का बर्फ वाला सीन विन डीजल की XXX नामक मूवी से इंस्पायर्ड है। बल्लाल देव का स्टैचू खींचने वाला सीन हमें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में देखने को चुका है जहां सुपरमैन जहाज को खींच रहा होता है। बाहुबली में वॉर के टाइम पर ढाल के दीवार वाले सीन हम पहले लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी में देख चुके हैं। दोस्तों बल्लाल देव का रथ तो आपको याद ही होगा, ऐसा ही रथ हरक्यूलिस मूवी में इंस्पिरेशन को यूज करते हुए देख चुके हैं हम। ये तो बात हो गई बाहुबली की कुछ हिडन डिटेल्स की, लेकिन दोस्तों बाहुबली 3 एक स्पिन ऑफ स्टोरी होने वाली है, उसमें कटप्पा के किरदार की क्या स्टोरी होने वाली है इस पर बात की जाए तो इस बार हमें ये दिखाया जाएगा कि कटप्पा और उसकी फैमिली ने ऐसा क्या किया था कि उन्हें महेश मती का दास बनकर रहने का वादा देना पड़ा, क्योंकि कंपैरेटिवली देखा जाए तो कटप्पा की स्ट्रेंथ और उसकी इंटेलिजेंस दोनों ही काफी ज्यादा है, एटलीस्ट बिजाल देव से तो ज्यादा ही है। तो ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी कि कटप्पा के पूरे वंश को महेश मती का गुलाम बनाया गया। इसके साथ ही शिवगामी देवी की स्टोरी की बात भी की जाए तो दोस्तों उन पर तो द राइज ऑफ द शिवगामी नाम की नॉवल भी लिखी जा चुकी है, इस किरदार पर तो पूरी की पूरी फिल्म ही बनाई जा सकती है, लेकिन स्पिन ऑफ में उनके किरदार के बारे में दिखाया जाएगा कि महेश मती कैसे आई और बिजाल देव से उनकी शादी कैसे हुई। दोस्तों इस पर अब आपका क्या कहना है और आप इन फैक्ट्स को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी।
नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। बाहुबली की दुनिया इतनी बड़ी और इंटरेस्टिंग है कि फैंस इसके बारे में सब कुछ जान ही लेना चाहते हैं। दोस्तों, जब बाहुबली का पहला पार्ट आया था तब फिल्म एक सवाल के साथ खत्म हुई थी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? और दोस्तों, ये सवाल फिल्म से भी ज्यादा वायरल हुआ था। उसके बाद जब दूसरा पार्ट आया तब क्या बाहुबली 3 आएगी, ये बहुत बड़ा सवाल बन गया। ऐसे ही फिल्म से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं जो गूगल पर सर्च किए गए हैं। उसमें से बहुत ज्यादा सर्च किया हुआ सवाल है, बाललाल देव की पत्नी कौन है और उनका नाम क्या है, जिस पर सभी फैंस के अलग अलग ओपिनियंस हैं और हमारे हिसाब से इस पर से पार्ट 3 में पर्दा जरूर उठाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, ये सवाल है कि क्या बल्लाल देव देवसेना से प्यार करता था? अगर सीधा सोचा जाए तो जवाब बनता है ना, लेकिन अगर आप सोचें तो बल्लाल देव ने देवसेना को बांध कर रखा था जबकि वो उसे मार भी सकता था। उसके बाद तीसरा मोस्ट सर्च सवाल है, बाहुबली और बल्लाल देव में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? इसके लिए भी सभी फैंस के जवाब अलग है दोस्तों। कोई कहता है बाहुबली, कोई कहता है बल्लाल देव। उसके बाद ये सवाल है कि क्या महेंद्र बाहुबली और आमरेंद्र बाहुबली दोनों एक हैं? ये सवाल है तो बेसिक, लेकिन फिर भी जो न्यू ऑडियंस है उनके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब उसके बाद पांचवा सवाल है, क्या देवी शिवगामी लौटेगी बाहुबली 3 में? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। उसके बाद जो सवाल है वो है कि क्यों बाहुबली को सबने इतना पसंद किया है? इसका सवाल ये है, इसका जवाब ये है कि क्योंकि बाहुबली अपने आप में एक एपिक मूवी है। उसके बाद जो सवाल बनता है वो है, क्या बाहुबली ओवररेटेड मूवी है? इस सवाल का जवाब सभी के हिसाब से अलग अलग है दोस्तों। इसके अलावा मोस्ट सर्च्ड सवाल है, कौन है बाहुबली के डायरेक्टर? सिंपल आंसर है, द ब्रिलियंट माइंड SS राजामौली, बाहुबली के बाद जिनको वर्ल्ड वाइड फेम मिली है। साथ ही दोस्तों, ये सवाल भी है कि क्या बल्लाल देव बाहुबली से ज्यादा फेमस है? इसका जवाब है कि अगर बल्लाल देव जैसा विलन फिल्म में नहीं होता तो हमें बाहुबली जैसा हीरो देखने को नहीं मिलता। और कई फैंस ऐसे भी हैं जो सिर्फ बल्लाल देव और उसकी स्ट्रांग और एपिक एक्टिंग देखने के लिए ही फिल्म बार बार देखती हैं। और अब जब बाहुबली 3 बनने वाली है तब जाहिर सी बात है कि बल्लाल देव मर चुका है तो उसका किरदार हमें पार्ट 3 में नहीं देखने को मिलेगा। और इस बात से कई फैंस नाराज हैं। और सोचने वाली बात यह भी है कि क्या बल्लाल देव के बिना बाहुबली 3 चलेगी या फिर राजामौली कुछ भी नया करके बल्लाल देव को वापस लाएंगे? आपने बाहुबली के बारे में क्या सर्च किया था कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी। जिसकी मृत्यु का समय नहीं आता, उसे कोई नहीं मार सकता। की असंख्य प्रजा और मान और प्राण की रक्षा करूंगा। और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर 17 साल की उम्र में ही जूलियस कार्नेलिया नाम की एक लड़की से शादी करता है। कार्नेलिया उस टाइम में एक काफी इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन की बेटी थी। शादी के बाद जूलियस रोम की सेना में शामिल हो जाता है। रोमन सेना के अभियानों के दौरान जूलियस ने एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रोमन की सेना में रहते वक्त जूलियस ने कई सारे खतरनाक जंग लड़े और हर जंग में जूलियस बाकी सारी सेनाओं से ज्यादा समझदारी और ताकत दिखाता। और ऐसे ही कई सारे जूलियस सीजर की वजह से रोम ने जीत हासिल की। बाद में जूलियस सेना छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है और अपनी सेना में होने की वजह से और वहां पर अनोखे काम करने की वजह से जूलियस को सेना के बाहर भी लोग पहचान चुके थे। अपने इन्फ्लुएंस के चलते जूलियस प्रोसिक्यूटर बन गया और उन एक साल में जूलियस ने कई सारे बदलाव लाए, जैसे कि लोकतंत्र को हटाकर राजतंत्र को एस्टैब्लिश करना। ये वो वक्त था जब जूलियस की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई।
वो लोगों के पसंदीदा प्रोसिक्यूटर बन चुके थे जो करप्ट गवर्नमेंट जॉब पूरी तरह से खत्म कर देते थे। लोगों को जूलियस से और भी ज्यादा प्यार होने लगा जब उन्होंने जूलियस को बचपन में पायरेट्स से किडनैप होने की बात सुनी कि कैसे जूलियस ने अकेले एक बच्चे होते हुए भी पायरेट्स की पूरी गैंग को पकड़वा लिया था। रोम ने अपना एक अलायंस बनाया जहां पर उनका काम यह था कि किसी भी इंसान को बहुत सारी पावर्स ना मिल जाए इसका ध्यान रखना और उसके साथ साथ कुछ बहुत अमीर लोगों की जमीन गरीबों में बांट देना। और इसी बात के अगेंस्ट बहुत सारे अलग अलग अपर लेवल के लोग खड़े हुए। जूलियस को बचाने वाला कोई भी नहीं था और जूलियस अपने काम में आगे बढ़ता ही रहा और लोगों का सपोर्ट हासिल करता ही रहा। जूलियस सीजर का स्टैचू बनवाया गया, टेंपल्स बनाए गए और यहाँ तक कि एक पूरा महीना उनके नाम पे कर दिया गया जिस मंथ को आज हम जुलाई के नाम से जानते हैं। लोगों का समर्थन जूलियस के साथ इतना ज्यादा था कि जूलियस को रोम का डिक्टेटर बना दिया गया। जूलियस के पास रोम की सबसे बड़ी पावर आ चुकी थी। जूलियस की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जूलियस को मारने के लिए, लेकिन जूलियस को मारना बहुत मुश्किल था। जूलियस ने अपने यहाँ तक के सफर में अपना एक काफी अच्छा भाई बनाया था जिसका नाम था ब्रूटस और ब्रूटस के हाथों ही जूलियस को मार दिया गया। पहले बात करें आने वाली फिल्म बाहुबली की तो इसके अपकमिंग सीक्वल यानी कि बाहुबली 3 में हमें कुछ ऐसी ही मिलती जुलती कहानी देखने को मिल सकती है। बाहुबली 2 ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए थे जिसके रिकॉर्ड अभी कोई भी फिल्म नहीं तोड़ पाई है। दर्शकों को ये फिल्म खूब भा रही है। बावजूद इसके कुछ फिल्म क्रिटिक्स इसकी सफलता पर सवालिया निशान भी लगा रहे थे। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी कहानी काल्पनिक थी जो इसे कमजोर साबित करती है, लेकिन इन सब आलोचनाओं का फिल्म की लोकप्रियता पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा था। काल्पनिक कहानी होने के बावजूद लोग फिल्म को रियल स्टोरी की तरह देख रहे थे, पसंद भी कर रहे थे। अब आते हैं फिल्म की कहानी पर। ये सच हो सकता है कि फिल्म की कहानी काल्पनिक हो, लेकिन ये सच पूरी नहीं है। जी हाँ, फिल्म के किरदार काल्पनिक हैं, जिन किरदारों के आसपास कहानी का ताना बाना बुना गया है। दरअसल हम उनसे पहले से परिचित हैं। जिस राज्य को लेकर फिल्म बनाई गई है, जो उसके लिए पूरी लड़ाई लड़ी जाती है, वो राज्य आज अपने गौरवशाली वैभव को समेटे हुए है। चेदी जनपद की राजधानी महिष्मती, जो नर्मदा के तट पर स्थित थी, इसको इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित महेश्वर नामक स्थान से लिया गया है, जो पश्चिम रेलवे के अजमेर खंडवा मार्ग पर बड़वाहा स्टेशन से 35 मील दूर है। महाभारत के समय यहाँ राजा नील का राज्य था, जिसे सहदेव ने युद्ध में परास्त किया था। राजा नील महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। बौद्ध साहित्य में महिष्मती को दक्षिण अवंती जनपद का मुख्य नगर बताया गया है। बुद्ध काल में ये नगरी समृद्धशाली थी तथा व्यापारिक केंद्र के रूप में विख्यात थी। उसके बाद उज्जैनी की प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ साथ इस नगरी का गौरव कम होता गया। फिर भी गुप्त काल में 5वीं शती तक महिष्मती का बराबर उल्लेख मिलता है। कालिदास ने रघुवंश में इंदुमती के स्वयंवर के प्रसंग में नर्मदा तट पर स्थित महिष्मती का वर्णन किया है और यहाँ के राजा का नाम प्रतीप बताया गया है। बाहुबली के किरदार को अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि सभी किरदार किसी न किसी से प्रेरित हैं। पौराणिक पात्रों को आधुनिक रूप दिया गया है। कटप्पा सिंहासन से बना हुआ महाभारत के भीष्म की याद दिलाता है। वहीं बाहुबली में अर्जुन की वीरता एवं भीम के अपार बल का संगम है। बलाल देव दुर्योधन की याद दिलाता है। वहीं बिंजल देव धृतराष्ट्र के मोह और शकुनी के कुटिलता का सम्मिश्रण है। गदा दुर्योधन का प्रमुख हथियार था, तो बलाल देव भी विशालकाय गदा हमेशा अपने पास रखता है। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, बाहुबली भी इस कला में काफी ज्ञानी थे। देवसेना की कहानी बहुत हद तक मणिपुर राज्य की राजकुमारी चित्रांगना से मिलती थी। चित्रांगना बेहद खूबसूरत थी। एक बार अर्जुन कारणवश मणिपुर गए और अर्जुन ने उन्हें देखा और देखते ही उन पर मोहित हो गए। अर्जुन ने चित्रांगना के पिता और मणिपुर के राजा चित्रवाहन से चित्रांगना के साथ अपने विवाह की इच्छा बताई। चित्रांगना के साथ अपने पुत्र वभ्रुवाहन के जन्म होने तक अर्जुन मणिपुर में ही रहे। वभ्रुवाहन के जन्म के बाद वे पत्नी और बच्चे को वहीं छोड़ इंद्रप्रस्थ आ गए। चित्रवाहन की मृत्यु के बाद वभ्रुवाहन मणिपुर का राजा बना। बाहुबली और देवसेना की कहानी इससे मिलती जुलती है। बाहुबली देशाटन पर जाता है और उसे देवसेना से प्यार हो जाता है।
बाहुबली ने देवसेना के पिता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, उन्होंने इसे मान भी लिया। तो आगे बाहुबली 3 की कहानी को भी चित्रांगना के स्टोरी को देखते हुए आगे बढ़ाया जा सकता है, जो बाहुबली 3 की एक अच्छी कहानी हो सकती है। साथ ही अगर आप बाहुबली में और डीप में जाएं तो आपको राजमाता शिवगामी का किरदार भी किसी से मिलता हुआ दिख सकता है। आपको वो डूबने वाला सीन तो याद ही होगा जिसमें राजमाता शिवगामी खुद डूब जाती है लेकिन बाहुबली को अपने हाथ में उठाए रखती है और उसकी रक्षा करती है। आपको ये सीन देखकर वासुदेव की याद जरूर आई होगी। हमने धार्मिक धारावाहिक श्री कृष्ण में देखा कि कैसे वासुदेव नवजात भगवान श्री कृष्ण को यमुना नदी पार करके गोकुल तक ले जाते हैं। जिस तरह वासुदेव ने भगवान कृष्ण को उठाया था, ठीक उसी तरह मिलता जुलता सीन बाहुबली में तब दिखाया जाता है जब नवजात महेंद्र बाहुबली को उनकी दादी शिवगामी देवी अपने हाथ में महेंद्र बाहुबली को उठाए रखती है ताकि महेंद्र बाहुबली को डूबने से बचाया जा सके। ये भी है कि जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, भीम ने इसका बदला लेने के लिए कुरुक्षेत्र में दुशासन का सीना चीर दिया था और रक्तपान करते हैं वो। बाहुबली फिल्म में भल्लाल देव ने इसी सीन की नकल करने की कोशिश की। भल्लाल देव बाहुबली का सीना चीर कर रक्तपान करना चाहता था। इन कुछ प्रमाणों से ये सिद्ध होता है कि फिल्म भले ही काल्पनिक हो लेकिन उसके किरदार और कुछ दृश्य पौराणिक कथाओं से कहीं ना कहीं प्रेरित हैं। ऐसे में फिल्म को पूरी तरह काल्पनिक कहना बिल्कुल गलत होगा। इसी तरह बाहुबली 3 के किरदारों को भी ऐसे ही किसी न किसी पौराणिक कथाओं से प्रेरणा लेकर बनाया जाएगा क्योंकि लोग उनसे ज्यादा अच्छे से खुद को रिलेट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन से किरदार होंगे जो बाहुबली 3 में दिख सकते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए और साथ ही जाते जाते इस वाली वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। भारत की सबसे शानदार मूवी की सफलता का क्रेडिट दो लोगों को जाता है, कला निर्देशक और प्रोडक्शन डिजाइनर स्पेशलाइज्ड, जो इसे दो पार्ट्स के मेगा महाकाव्य का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। पहली मूवी में ये झरने वाला दृश्य था जहां प्रभास एक विशाल शिवलिंग को अपनी ओर ले जाता है। ये वो दृश्य था जो मूवी की स्पीड डिटरमाइन करता था और एक्सपीरियंस्ड कला निर्देशक साबू सिरल थे जिन्होंने इसे जीवन में उतारा था। भारत में सबसे अधिक मांग वाले कला में से एक है, विशेष रूप से दृश्य प्रभाव गहन परियोजना जैसे रावण, क्रिश 3 और रॉबर्ट के लिए सिरल दृश्य निर्देशक एसएस किंग मौली की पहली पसंद थी। बाहुबली जब सामू को मिली, शुरुआती शंकाएं प्रोजेक्ट के आकार और पैमाने के बारे में थी। निर्माता ने कहा कि ये इंटरनेशनल लेवल का एक बड़ा बजट प्रोजेक्ट होने जा रहा था जिसमें उन्होंने फोटोशॉप का इस्तेमाल करके किसी के साथ काम किया था और मुझसे कहा अगर मैं ये मूवी कर रहा हूँ तो मूवी में ये होगा। ये 120 फीट के झरने की तस्वीर थी, मुझे वो पैमाना समझ में आया था जो वो चाहता था, उन्होंने समय और धन की पेशकश की। सिरिल कहते हैं वाटरफॉल की शूटिंग केरल के अथिरापल्ली वाटरफॉल में की गई थी। सिरिल ने फाइबर से इन सेटों को फिर से बनाया। वाटरफॉल को फिर से बनाने के लिए हाई प्रेशर वाले पानी के पंपों का इस्तेमाल किया गया था और दोनों स्थानों के सीन्स का मिलान किया गया था। VFX का उपयोग करके क्लाउड और अन्य संस्करण जोड़े गए थे। ठीक इतनी ही मेहनत एक बार फिर साबू अपकमिंग मूवी बाहुबली 3 में भी करने वाले हैं क्योंकि एक बार फिर वो बाहुबली 3 का हिस्सा बन चुके हैं। किंग मौली की महाकाव्य सीक्वल बाहुबली द कंक्लूजन ने इस सीक्वल ड्रामा पर दुनिया को झकझोर कर रख दिया है जो पहले ही ग्लोबल लेवल पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है और भारत और विदेश में बॉक्स ऑफिस पर सपने की दौड़ का आनंद लेना जारी रखा गया है। विशाल साम्राज्य सिकंदरा में विशाल रामोजी मूवी सिटी बनाया गया था जबकि कुंतला देश की छोटी सी माँ सिकंदर के बाहर एक एल्युमिनियम कारखाने में बनाए गए थे। इन साम्राज्यों में चित्रित कठोर और स्क्रीन पर स्पष्ट हो सकती है लेकिन इसे पूरा करना सरल से बहुत दूर था। सिरिल का ब्रीफ या यूं कहें एक्सप्लेनेशन स्पष्ट था, माहेश्वरी के लिए राजा मौली बहुत विस्तार के बिना एक बहुत बड़ा राज। अब बाहुबली फ्रेंचाइज का क्रेज किस लेवल पे है ये तो हमें बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। इस फिल्म के हीरो कैरेक्टर स्टोरी लाइन सब कुछ ही धमाकेदार थे और लोग तो खासकर दीवाने हैं बाहुबली यानी कि प्रभास के। इन्होंने इस फिल्म में तो बिल्कुल ही जान डाल दी थी।
अब जब फिल्म इतनी ज्यादा अच्छी थी और लोगों को इतना ज्यादा मजा आया और एंटरटेनमेंट मिला, तो अब बस लोगों को इंतजार है इस फ्रेंचाइज की सबसे लेटेस्ट फिल्म यानी कि बाहुबली 3 का। अब पिछली वीडियो में तो मैंने आपको बताया कि कैसे दुल्लू इन कोशी को महेश मति की खुशियों के बारे में पता चल जाता है, जो जानने के बाद उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपने सलाहकार कौंद को मारने तक की धमकी दे देता है अगर वो उसकी मुलाकात दुरानी शाह से नहीं करवा पाता है। अब अपने राजा और अपने सरकार की ये सारी बातें सुनने के बाद तो कौन डर जाता है, तो वो तुरंत अगले दिन तिलकिस्तान के लिए निकल जाता है। अब वो तिलकिस्तान के लिए तो निकल जाता है, लेकिन वो साथ ही साथ एक कागज भी ले जाता है। अब आखिर क्या राज है उस कागज का और वो कैसे मनाएगा दुरानी शाह को, इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी इस वीडियो में। अब जहां महेश मति में एक तरफ हर जगह खुशियों का माहौल था क्योंकि बाहुबली के सबसे खास दोस्त कृष्ण देव की शादी की तारीख पक्की की जा रही थी, तो वहीं पे दूसरी तरफ कौन धीरे धीरे महेश मति की बर्बादी यानी कि दुरानी शाह की तरफ पहुंच रहा था। अब पूरे 5 दिन के मुश्किल सफर के बाद वो तिलकिस्तान पहुंच जाता है, लेकिन ये क्या, तिलकिस्तान पहुंचने के बाद तो एक पल को कौंद भी घबरा जाता है दुरानी शाह से मिलने के लिए। वहां का नजारा देखकर तो कौंद भी थोड़ा सा डर जाता है। वो जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि बीच चौराहे पर एक आदमी को लटकाया हुआ था जिसकी दोनों आंखों को निकाल दिया गया था। अब उस आदमी की ये हालत देखकर और उसके शरीर पे इतने सारे घाव देखकर तो उसे लगता है कि ये कोई मुजरिम है, तो वो वहां पर एक आदमी से पूछ लेता है कि भाई ये क्या कोई मुजरिम है जो उसको इतनी बुरी सजा दी है। तो इसके जवाब में वो आदमी बोलता है नहीं, ये तो बादशाह दुरानी शाह का रसोईया था, इस बेचारे की तो सिर्फ इतनी सी गलती थी कि इसने बादशाह के खाने में थोड़ा ज्यादा तीखा डाल दिया था और इसी बात से गुस्सा होकर बादशाह ने इसकी आंखें निकालने का आदेश दे दिया और उसको बीच चौराहे पर ऐसे लटकाने का भी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद तो कौंद को थोड़ा सा डर लगा, लेकिन फिर कौंद मन ही मन ये सोचने लगा कि ये राजा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये किसी हैवान से कम नहीं है, लेकिन अगर कितना अच्छा होगा ये हमारा साथ देगा तो फिर महेश मति के लोगों की तो खैर नहीं है। महेश मति के लोगों के साथ ये दुरानी शाह ऐसा व्यवहार करेगा जो बाहुबली ने अपने सपने तक में नहीं सोचा होगा। अब ये सारी बातें सुनकर तो दुरानी शाह मन ही मन खुश हो रहा था, लेकिन एक बहुत ही बड़ा सवाल उसके लिए कि आखिर वो दुरानी शाह को कैसे मनाएगा और कैसे पहुंचेगा उस तक। अब एक तरफ तो दुरानी अपनी शैतानी साजिशों को लेकर काफी ज्यादा परेशान था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाहुबली के दरबार में एक औरत आती है अपने 2 बच्चों के साथ। उस औरत को बुलाया जाता है दरबार में, वो बोलती है प्रणाम महाराज, मैं तिलकिस्तान से आई हूँ और ये मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे आपसे एक शिकायत करनी है कि जो वहाँ का राजा है वो कोई राजा नहीं हैवान है, हैवान, उसने बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मेरे पति और मेरे पिता दोनों को मार दिया। ये सारी बातें बोलकर वो औरत बहुत ज्यादा रोने लग गई, जिसको देखकर बाहुबली और पूरी सभा के लोग परेशान हो गए। वो औरत रोते रोते बोलती है कि महाराज उस आदमी ने तो मेरा घर तक जला दिया, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो तिलकिस्तान के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करता है कि जो कोई जानवरों के साथ भी ना करे। अब ये सारी बातें सुनकर और उस औरत का दुख देखकर बाहुबली से रुका नहीं गया और महाराज मैं बहुत ज्यादा उम्मीद से आपके पास आई हूँ, मैंने सुना है कि आप ऐसे अत्याचारी लोगों को सजा देते हैं, आप कृपया करके हमारी मदद कीजिए और हमें उस राजा से बचा लीजिए। अब उस औरत को इतना परेशान देखकर और उसकी बातें सुनने के बाद बाहुबली से रुका नहीं गया, वो बोल पड़ते हैं कि हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अब ये सारी बातें सुनकर वो औरत तो थोड़ी सी खुश हो जाती है, लेकिन वहां पे बैठे कटप्पा के चेहरे पे परेशानी साफ नजर आ रही थी, वो जैसे चाह रहे हो कि बाहुबली ये युद्ध ना करे। तो उसी रात बाहुबली अपने कमरे में बैठे बैठे उस औरत के बारे में सोच रहे होते हैं और उसकी बातों के बारे में सोच रहे होते हैं। इसी बीच में उनकी बीवी रानी अवंतिका यानी कि तमन्ना आ जाती है, लेकिन उनके आने का उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं होता, जिसको देखकर वो रानी बोलती है कि क्या हुआ महाराज, अब काफी ज्यादा परेशान लग रहे हैं। अब रानी की आवाज सुनने के बाद बाहुबली उनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि आपका भाई रानी अवंतिका, जिसके जवाब में रानी बोलती है कि जब आप काफी ज्यादा परेशान थे हम तभी आ गए। अब रानी के इतना पूछने के बाद बाहुबली उनको सब कुछ बता देते हैं कि जो भी सभा में होता है, जिसके जवाब में रानी बोलती है कि आपको ये युद्ध जरूर करना चाहिए, आपको उस राजा को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए कि वो अपनी प्रजा के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब रानी की ये सारी बातें सुनने के बाद बाहुबली उनकी तरफ देखते हैं, जैसे कि उनको उनके सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे।
अब ये सारी बातें रानी और बाहुबली के बीच में चली रही होती है कि कमरे में आ जाता है एक सेवक और वो बोलता है कि महाराज कटप्पा आपसे मिलना चाहते हैं और वो काफी ज्यादा परेशान है। अब सेवक की ये बातें सुनने के बाद वो बोलते हैं कि कटप्पा को अंदर आने दीजिए। अब कटप्पा अंदर आते हैं, वो काफी ज्यादा परेशान थे तो बाहुबली उनसे बोलते हैं कि आप इतने परेशान क्यों हैं? तो कटप्पा इसके जवाब में बोलते हैं कि मुझे माफ कीजिए, मैं इस वक्त आपके पास आ गया लेकिन बात बहुत जरूरी थी। जिसके जवाब में बाहुबली बोलते हैं कि आप मेरे बाबा जैसे हैं, आप कभी भी मुझसे मिल सकते हैं लेकिन आप मुझे ये तो बताइए आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं? तो कटप्पा उनको दुरानी शाह के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो कितना ज्यादा बुरा इंसान था। और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए कटप्पा उनको बताते हैं कि सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि दुरानी शाह की सैनिक हमसे 10 गुना ज्यादा है और उनका हर एक सैनिक इंसान नहीं जानवर है। अब बाहुबली को ऐसे शान देखकर वो बोलते हैं कि हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए, हम इसके लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, ना हमारे पास सैनिक है ना हमारे पास आधुनिक हथियार है। और तो और अभी तक दुरानी शाह ने जितने भी युद्ध किए हैं वो सब में जीता है और वहाँ के राज्यों की प्रजा और रानियों के साथ उन्होंने बहुत ही ज्यादा बुरा सलूक किया है। अब ये सारी बातें सुनकर रानी अवंती का बोल पड़ती है कि किसी न किसी को तो इस अत्याचार को रोकना होगा, क्यों ना ये काम महाराज ही करे, हम ये युद्ध जरूर करेंगे और हम ये युद्ध जीतेंगे भी। अब ये बात सुनने के बाद तो बाहुबली भी बोलते हैं कि हाँ हमें ये युद्ध करना चाहिए, हमें वहाँ के लोगों की जान बचानी चाहिए। अब रानी और राजा की ये सारी बातें सुनकर कटप्पा वहाँ से चले तो जाते हैं लेकिन वो अभी भी काफी ज्यादा परेशान थे। अब बाहुबली ने तो ये सोच लिया है कि वो दुरानी शाह को खत्म कर देंगे, तो वहीं पर कौंद भी कोशिश में लगा हुआ है कि किसी न किसी तरीके से उसकी मुलाकात हो जाए दुरानी शाह से। तो अपनी इसी कोशिश के कारण वो एक रात चुपके से उनके महल में घुस जाता है और सारे सैनिकों को चकमा देकर वो दुरानी शाह के कमरे तक भी पहुंच जाता है। पर ये क्या, वहां पर पहुंचकर वो देखता है कि एक आदमी अपने हाथ में खंजर लेकर दुरानी शाह की तरफ बढ़ रहा था जो कि काफी ज्यादा सुकून की नींद सो रहा था। लेकिन जैसे ही वो आदमी दुरानी शाह पर हमला कर पाता, कौन उस आदमी को पीछे से आकर पकड़ लेता है और सारी आवाजों के बाद तो दुरानी शाह भी उठ जाता है और सैनिक भी कमरे में आ जाते हैं, जिसके बाद उस आदमी को काल कोठरी में डाल दिया जाता है और कौन को भी कड़ी सुरक्षा के बीच में रखा जाता है। अब जब सैनिक कौन को लेकर जा रहे थे तो उसके पास एक कागज गिरता है, उस कागज को दुरानी शाह उठा लेता है और उस कागज को देखने के बाद तो दुरानी शाह बस देखता ही रह जाता है। उस कागज में महारानी अवंतिका की तस्वीर थी जो काफी ज्यादा खूबसूरत थी, उस तस्वीर को और उनकी सुंदरता को देखता ही रह जाता है दुरानी शाह, जिसके बाद वो अपने सैनिक से कौंद को बुलाने का आदेश देता है। जिसके जवाब में कौंद बोलता है ये माहेश्वरी की महारानी महेंद्र बाहुबली की पत्नी है, ये काफी ज्यादा सुंदर भी है और हर चीज में सक्षम भी है। अब उस तस्वीर को देखने के बाद दुरानी शाह के दिमाग में कुछ तो चल रहा था जिसकी वजह से उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान थी। ने की शादी, प्रजा ने किया आखिर इसका समर्थन, क्या बताया देवसेना ने कटप्पा को। हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि देवसेना बाहुबली को ये बताती है कि वो राजमाता का पद छोड़ रही है। ये जानने के बाद बाहुबली देवसेना से इसका कारण पूछता है तो देवसेना बताती है कि वो बाहुबली और अवंतिका की शादी की वजह से ये निर्णय ले रही है। इस बात से गुस्से में आकर बाहुबली खुद ही राज्य छोड़ने का फैसला लेता है और अवंतिका के साथ खुद ही महल छोड़कर चला जाता है। बाहुबली ना जाते जाते सारी जिम्मेदारी देवसेना को देकर जाता है। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। बाहुबली अवंतिका को लेकर महल से बाहर ही निकल रहा होता है कि पीछे से कटप्पा भाग कर बाहुबली के पास आता है और बोलता है बाहुबली तुम क्या कर रहे हो, इस राज्य को तुम्हारी जरूरत है, राजमाता को तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम हमें ऐसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। ये सुनकर बाहुबली बोलता है मामा मैं हमेशा से ही माहेश्वरी के साथ हूँ, मैं हमेशा आपके और माँ के साथ हूँ, जब भी जरूरत हो बस एक बार याद कर लेना मैं वहीं हाजिर हो जाऊंगा। ये सुनकर कटप्पा फिर बोलता है नहीं बाहुबली तुम ऐसा नहीं कर सकते और ऐसे नहीं जा सकते, जो भी गलत फहमियाँ है हमें बैठ कर वो सब सुलझानी चाहिए, मैंने ना ये सब पहले भी देखा है, इसका नतीजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं। ये सुनकर बाहुबली बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता ना कीजिए। इस सब के बाद बाहुबली अवंतिका को लेकर चला जाता है और राज्य में जाकर आम लोगों की जिंदगी जीने लगता है।
एक छोटे से घर में वो और अवंतिका साथ में रहते हैं। आप लोग बाहुबली का आदर करते हैं और उसे सम्मान से देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ देवसेना अवंतिका के खिलाफ सबूत ढूंढने में लगी रहती है, लेकिन उसे कहीं से भी अवंतिका के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। यहाँ सारे गांव वाले क्या करते हैं, बाहुबली के घर के बाहर इकट्ठा होते हैं। जब बाहुबली अपने घर से बाहर निकलता है तो सभी को देखकर उनसे पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, क्या फिर से हाथियों ने खेत की फसलें खराब कर दी। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। क्या होगा फिल्म का जॉनर, कितने एंटागोनिस्ट है इस फ्रेंचाइजी में, कौन था मारथंडा। बाहुबली 2 का अंत होते ही लोगों ने बाहुबली 3 का इंतजार करना शुरू कर दिया है। बाहुबली फ्रेंचाइजी ने इंडियन सिनेमा में सभी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को अपने नाम कर दिया है। बाहुबली अभी भी लोगों की पहली पसंद है। इस फिल्म को करने के बाद प्रभास और अनुष्का शेट्टी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी, वो रातों रात मेगा स्टार्स बन गए थे। वहीं इस फ्रेंचाइजी के नए सीक्वल को लेकर फिल्म के प्रोड्यूसर प्रसाद देवनैनी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक खुलासा किया है। प्रसाद कहते हैं कि बाहुबली में उतना स्कोप है कि एक और कहानी सुनाई जा सकती है, कहानी की दुनिया वही रहेगी और किरदार तो लार्जर देन लाइफ होंगे। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि लेकिन हम अभी तुरंत इसे शुरू करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कई सारी और भी जिम्मेदारियां हैं और उसके बाद ही हम इसके बारे में सोचेंगे। जाहिर तौर पे एक पॉइंट पर हम इसे बनाएंगे, लेकिन अगर चीजें ठीक रही तो। हालांकि अभी इसे लेकर कोई काम नहीं किया जा रहा है। प्रसाद की बातों से ऐसा लग रहा है कि मेकर्स सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि कब फिल्म की कास्ट के साथ साथ वो भी अपने दूसरे प्रोजेक्ट से फ्री हो जाए। खैर, मेकर्स बाहुबली 3 की तैयारियां काफी सालों से कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ट्रायलॉजी फिल्म थी जिसमें से बिगिनिंग और कंक्लूजन आ चुकी है। वही आखिरी चाल अब बाहुबली 3 खेलने वाली है। इस फिल्म के जॉनर की बात करें तो एक्शन और हिस्टोरिकल ड्रामा इस बार मेन मुद्दे पे रहने वाले हैं। इसके अलावा रोमांस, फैंटेसी और वॉर सब जॉनर्स के रूप में रहेंगे। वहीं एंटागोनिस्ट की बात करें तो इस फ्रेंचाइजी में करीब 5 एंटागोनिस्ट अब तक शामिल हो चुके हैं। वही जानकारी के मुताबिक इन्हीं में से किसी पुरानी एंटागोनिस्ट की वापसी बाहुबली 3 में हो सकती है। इस फ्रेंचाइजी में एंटागोनिस्ट के तौर पे बिज्जाल देव, उसका बेटा भल्लाल देव और उसका अडॉप्टेड बेटा भद्रा शामिल है। इसके अलावा कालकिया ट्राइब का सरताज इंकोशी और पूरा कालकिया ट्राइब भी शामिल है। वहीं भद्रा, भल्लाल देव और इंकोशी पहले ही मर चुके हैं, पर कालकिया ट्राइब और बिज्जाल देव अब भी जिंदा है। कालकिया ट्राइब वापस महिष्मती जरूर आ सकता है अपने मालिक इंकोशी की मौत का बदला लेने। वहीं बिज्जाल देव भी अपने बेटे की हत्या का बदला जरूर लेगा और हो सकता है कि बिज्जाल देव के पास अब कोई पावर नहीं बचा है, इसलिए वो कालकिया ट्राइब से हाथ मिला सकता है ताकि वो महेंद्र बाहुबली को हरा कर अपना बदला पूरा करे। इसके साथ ही वो खुद को महिष्मती का नया राजा भी बना ले, जिसका सपना वो हमेशा से देखते आया है। वहीं इस फ्रेंचाइजी के मुताबिक एक और एंटागोनिस्ट भी था जिसका नाम था मारथंड। इस किरदार को बाहुबली के पहले चैप्टर में दिखाया गया था। मारथंड को एक माइनर एंटागोनिस्ट के रूप में फिल्म में शामिल किया गया था, जिसे शिवगामी ने गला काट कर मार दिया था। मारथंड शिवगामी को एक कमजोर शासक के रूप में देखता था, क्योंकि वो अपने बच्चों की देखरेख करती थी और इसी बात ने शिवगामी को गुस्सा दिला दिया था। वही मारतंग ने महिष्मती के कुछ मंत्रियों के साथ मिलकर पूरे राज्य से धोखेबाजी की थी ताकि वो महिष्मती का नया राजा बन सके। वही ये बात उस वक्त की है जब अमेंद्र बाहुबली का जन्म हुआ था। मारतंडा को कटप्पा और उसके आदमियों ने मिलकर शिवगामी के कहने पर हराया था। तब मारतंड शिवगामी को मारने आ रहा था तो शिवगामी ने उसी के हाथों में रखे चाकू से उसके गले पर वार करा, उसे मार दिया था। और ऐसा शिवगामी ने छोटे भल्लाल देव को अपने हाथों में पकड़े हुए किया था, और इसी वजह से ये सीन वुमन एम्पावरमेंट को भी दर्शाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। क्या कहा प्रभास ने ऐसा, क्या बाहुबली में दिखेंगे प्रभास, प्रभास कहाँ है बिजी,
हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। साउथ के सुपरस्टार कहे जाने वाले प्रभास की हर फिल्म के लिए उनके फैंस एक्साइटेड रहते हैं। दर्शकों का एक्साइटमेंट बढ़ाते हुए प्रभास ने अपने फैंस को एक इशारा दिया है। दरअसल वो फिर से महेंद्र बाहुबली बनने को तैयार है। एक इंटरव्यू में प्रभास ने बताया कि वो बाहुबली के डायरेक्टर SS राजामौली से फिर हाथ मिला सकते हैं। प्रभास ने कहा कि राजामौली बाहुबली की फ्रेंचाइजी बंद करने की तैयारी में नहीं है, ऐसे में इस फिल्म का अगला पार्ट जल्द आ सकता है। ऐसे में फैंस फिर से प्रभास को बाहुबली में देखने के लिए क्यूरियस हो रहे हैं। बाहुबली के दो सुपरहिट पार्ट्स के बाद इसके थर्ड एपिसोड की कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। खबरों के मुताबिक डायरेक्टर SS राजामौली और बाहुबली स्टार प्रभास का तीसरे पार्ट पर काम भी चल रहा है। हालांकि अभी बाहुबली के लिए दर्शकों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभास इस समय अपनी दूसरी फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं। प्रभास अब अपनी अगली फिल्म आदि पुरुष की तैयारियों में बिजी हैं। वो इस फिल्म के बाद ही बाहुबली पर काम शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं बाहुबली के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अमरेंद्र कहां जाने वाले हैं, फिल्म में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, अमरेंद्र अपने पिता के किंगडम को आगे ले जाने में लग गए। सबसे पहले उन्होंने अपने किंगडम में उन लोगों पर ध्यान देना स्टार्ट करते हैं जो युद्ध के कारण इंजर्ड हो गए थे। अमरेंद्र ने उन सभी के ट्रीटमेंट के लिए खर्चा किया और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दिए ताकि वो अपनी लाइफ को थोड़ा अच्छे से जी सके। इसके बाद उन्होंने और भी दूसरे लोगों पर भी ध्यान दिया जिनकी डेथ उस फाइट में हो गई थी। उन्होंने उनकी फैमिली पर भी खर्चा किया और साथ ही उन सभी की फैमिलीज को पूरी तरह से हर हेल्प और सर्विस प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी अपने हाथों ली। जैसा सुनने के बाद वहां के लोग को थोड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद वो देखते हैं कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसे हेल्प की नीड हो और उसे वो नहीं मिल रही हो जिनकी उन्हें जरूरत हो। जिसके बाद उन्हें ऐसे कुछ लोग मिलते हैं जिनका वो ध्यान रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ भल्लाल देव के पिता भल्लाल देव की मौत का बदला लेना चाहते थे, लेकिन वो कुछ नहीं करने पा रहे थे, और यही क्योंकि उनके साथ का कोई भी नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने बदला लेना चाहा और उसके लिए उन्होंने पहले ऐसे लोगों को ढूंढना स्टार्ट करा जिसे भड़का कर वो इसका इस्तेमाल कर सके। इसके लिए वो वहां के जेल में भी गए ताकि वहां से कुछ कैदियों को लेकर एक ग्रुप बना सके। वहां से उनको 4 ऐसे कैदी मिले जो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वो उन सब के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं, लेकिन प्लान बनाते टाइम उन्हें समझ आता है कि वो अमरेंद्र को मारने के लिए काफी नहीं, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे करके अपने जैसे इंसानों को खोजना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि वो एक आम इंसान का भी ब्रेन वॉश करके उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते थे। फिल्म में हमें ये देखने को मिलने वाला है कि अमरेंद्र सारे कैदियों से जेल में मिलने जाता है और जितने भी बुढ़े कैदी थे वो उन्हें आजाद कर देगा, ये हुक्म देता है। जिसके बाद उन सभी बुढ़े कैदियों को रिहा कर दिया गया। अमरेंद्र वापस अपने महल लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लाचार इंसान ऐसे ही रोड पे पड़ा हुआ है। जिसके बाद वो अपने आदमियों को पूछते हैं कि वो कौन है, जिस पर वो उन्हें बताता है कि वो यहाँ के पास के गांव का रहने वाला है। इसकी बीमारी के कारण इसके घर से निकाल दिया गया है। जिसके बाद वो कहते हैं कि उसे महल में लाया जाए और वहीं पे उसका इलाज करवाया जाए। महल जाने के बाद वो सारी बात अपनी माँ को बताता है, जिसके थोड़ी देर बाद वो एक मीटिंग रखते हैं जिसमें आज जो भी हुआ उसे डिस्क्राइब करते हैं और अपने फेलो मेंबर से पूछते हैं कि उनके हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि उस इंसान की फैमिली को यहाँ बुलाकर उनसे पूछताछ करनी चाहिए। कुछ कहते हैं कि उनकी फैमिली को उनके इलाज के लिए पैसे देने चाहिए। जैसे पूरे दूसरे मिनिस्टर्स कहते हैं कि ऐसी हालत और भी कई प्लेसेस की है। जिसके बाद ये डिसाइड किया गया कि पहले ये पता लगाया जाएगा कि ये कहाँ पे हो रहा है। क्या युद्ध का हुआ आगाज, या अवंतिका देगी बाहुबली का साथ, क्या कटप्पा और बाहुबली की जोड़ी दिलाएगी जीत। दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पे क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। वेल दोस्तों, वीडियो में वापस आते हैं। बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन के पावरफुल एक्शन और डायरेक्शन के बाद
डायरेक्टर SS राजमौली फिर से एक बार ऑडियंस के बीच में धूम मचाने के लिए आ रहे हैं अपनी फिल्म बाहुबली 3 के साथ। फिल्म में एक बार फिर प्रभास बाहुबली के किरदार में देखे जाएंगे, अनुष्का शेट्टी देवसेना के किरदार में दिखेंगे और इनके साथ ही तमन्ना अवंतिका के किरदार में। तो वहीं बात करें विलन की तो राहुल देव प्रभास के अपोजिट दिखने वाले हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बाहुबली अवंतिका को किसी से बात करते हुए देख लेता है और बाद में उसे पता चलता है कि वो माहिष्मती का ही जासूस है ना कि बलदेवपुर का। और अवंतिका बाहुबली को बताती है कि बलदेवपुर के राजा जल्दी माहिष्मती पर हमला करने वाला है और ये सारी बातें देवसेना छुपकर सुन रही होती है। अवंतिका की कही कही बातों को सुनकर देवसेना बाहर आती है और बाहुबली को बलदेवपुर के खिलाफ जंग छेड़ने का आदेश दे देती है। दोस्तों अब इसके आगे की कहानी में देखते हैं क्या होने वाला है। बाहुबली अवंतिका और देवसेना तीनों साथ में राजमहल पहुंचते हैं जहां कटप्पा उन्हें साथ में देखकर चौंक जाता है और साथ ही साथ खुश भी हो जाता है कि बाहुबली वापस लौटकर राज्य में आ गया है। लेकिन बाहुबली को गुस्से से महल के अंदर आते हुए देख के वो थोड़ा सा डर जाता है और बाहुबली के पास जाते हुए बोलता है, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? ये सुनकर बाहुबली कटप्पा से बोलता है, मामा हमारे सभी सैनिकों को जल्द से जल्द युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दे दो। ये सुनकर कटप्पा थोड़ा सा डर जाता है और बाहुबली के पीछे जाते हुए पूछता है, पर हुआ क्या है? ये सुनकर बाहुबली बोलता है, हमारे जासूस ने बताया कि बलदेवपुर के राजा जल्द ही हम पर हमला करने जा रहे हैं, इसलिए हमें उनके हमले से बचने के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहना होगा। ये सुनकर कटप्पा जाता है और ये ऐलान करवा देता है कि अपने सभी हाथियों घोड़ों और सभी सैनिकों को युद्ध करने के लिए तैयार कर दो। और वहीं दूसरी तरफ बाहुबली अपनी तैयारियों में लग जाता है। कुछ दिन बाद बड़े से रेगिस्तान में कड़कड़ाती धूप के बीच एक तरफ राजा बलदेव के नेतृत्व में बलदेवपुर की सेना खड़ी होती है तो दूसरी तरफ बाहुबली के नेतृत्व में माहिष्मती की असंख्य सेना खड़ी होती है। चारों तरफ तूफान से पहले का सन्नाटा होता है। तभी बलदेवपुर के राजा बलदेव सिंह अपनी सेना को आदेश देते हैं और युद्ध का आगाज हो जाता है। बाहुबली अपनी तलवार शान से बाहर निकालता है और घोड़े पर सवार होकर तेजी से सामने वाली सेना की तरफ बढ़ने लगता है। एक एक करके कई सैनिक बाहुबली की तलवार के हत्थे चढ़ जाते हैं। चारों तरफ चीख पुकार और तलवारों की खनखनाहट सुनाई दे रही होती है। बाहुबली घोड़े पर सवार होकर अपने पराक्रम और युद्ध कौशल का परिचय दे रहा होता है। बलदेव सिंह की सारी सेना अपने घुटनों पर बैठ जाती है और एक बार फिर से माहिष्मती साम्राज्य की जीत हो जाती है और इस तरह से ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थी रानी हेमवती, क्यों होगी वैशालिकास की वापसी? क्या कालके भी देंगे वैशालिकास का साथ? नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी वर्मा करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर जरूर जाएं और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। बाहुबली तो हम सभी ने देखी है। बाहुबली हम सबकी ही पसंदीदा फिल्म है। बाहुबली सबको काफी ज्यादा पसंद भी है। आपको बता दें बहुत जल्द बाहुबली 3 आने वाली है बड़े पर्दे पर। साथ ही आप सब ये शायद ही जानते होंगे कि माहिष्मती नाम का एक एक्चुअल राज्य इंडिया में एग्जिस्ट करता था। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है ये मध्य प्रदेश जहाँ आज है वहां पर था और कुछ लोगों का मानना है कि मैसूर जहाँ पर है वहां पर माहिष्मती हुआ करता था। अब सच्चाई क्या है ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन आपको बता दें बाहुबली 3 में कहानी दिखाई जाएगी थोड़ी सी फ्लैशबैक की। जी हाँ दोस्तों, विजल देव और विक्रमादेव की माँ रानी हेमवती की कहानी फिल्म में नजर आएगी। रानी हेमवती एक बहुत ही बहादुर रानी थी, लेकिन जब उनके राज्य को माहिष्मती को कब्जा कर लिया गया था दुश्मनों द्वारा, तब उन्होंने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। इसी के बाद आपको बता दें कि रानी हेमवती की राय दोनों बेटों के लिए सेट थी। वो जानती थी बड़े बेटे जो उनके विज्जल देव है वो काफी ज्यादा गुस्से वाले हैं, वहीं वो सोचती थी कि जो छोटे बेटे विक्रमादेव हैं वो काफी ज्यादा कायर हैं। बल्कि आपको बता दें विक्रमादेव काफी निडर और काफी बहादुर राजा साबित हुए थे अपने कार्यकाल में। इसके बाद अब कहानी में दिखाया जाएगा रानी हेमवती का फ्लैशबैक, साथ ही साथ ये भी दिखाया जाएगा कि वैशालिकास फिर से आक्रमण करेंगी माहिष्मती पर। अब आप सोच रहे होंगे वैशालिकास कौन है? वैशालिकास एक ऐसी प्रजाति है
जिनके यहाँ से माहिष्मती ने, जो माहिष्मती इंसान थी, उन्होंने वहां से एक पवित्र पत्थर उठाकर जहाँ माहिष्मती राज्य है वहां पर रख के माहिष्मती राज्य की स्थापना करी थी। इस वजह से वैठालिकास को शिफ्ट होना पड़ा था जंगलों में। वो कई सालों से जंगलों में रह रहे हैं और इसीलिए उनकी माहिष्मती साम्राज्य से इतनी ज्यादा दुश्मनी है। साथ ही आपको बता दें कि कालकेय भी, जब से कालकेय का लीडर मरा है उसके बाद से कालकेय सारे बहुत ज्यादा आक्रोश मन में भरे बैठे हैं माहिष्मती के खिलाफ। तो माहिष्मती के खिलाफ कालकेय और वैठालिका दोनों साथ आने की संभावना रखते हैं। आपको ये भी बता दें कुंतल राज के दुश्मन यानी कि पिंडारी भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और सब मिलकर माहिष्मती पर हमला भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की कहानी देखने को मिलने वाली है बाहुबली 3 में। आपको क्या लगता है फिल्म के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाहुबली ने छेड़ी जंग, किसकी नजर है साम्राज्य पर, किसने किया विद्रोह? दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पे क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। कल दोस्तों वीडियो में वापस आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अवंतिका बाहुबली को घर में ना देखकर किसी से मिलने के लिए बाहर जाती है, जो उसे ये बताता है कि बलदेवपुर के राजा जल्दी माहिष्मती पर हमला कर सकते हैं। लेकिन जब वो ये बात कर रही होती है तब बाहुबली उसे देख लेता है और बिना सच्चाई जाने अवंतिका को चाटा मार देता है। दोस्तों, अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। बाहुबली अवंतिका को पीछे मोड़ता है और एक जोर का चाटा मारता है जिससे कि अवंतिका सुन पड़ जाती है। उस देर की उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। फिर अवंतिका बाहुबली की तरफ देखती है और बोलती है, ये तोहफा दिया तुमने मुझे माहिष्मती से वफादारी का। ये सुनकर बाहुबली अवंतिका को बोलता है, वफादारी या गद्दारी, तुमने वफादारी नहीं गद्दारी की है। ये सुनकर अवंतिका की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं माहिष्मती के साथ गद्दारी कर सकती हूँ। ये सुनकर बाहुबली बोलता है, बलदेवपुर के जासूस के साथ खड़े होकर तुम ये बात बोल रही हो कि तुम गद्दार नहीं हो। ये सुनते ही अवंतिका उस आदमी को खींच कर आगे लाती है और बोलती है, ये कोई बलदेवपुर का जासूस नहीं, माहिष्मती का जासूस है। ये सुनते ही बाहुबली चौंक जाता है और अब उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है कि क्यों उसने बिना कुछ जाने अवंतिका को चाटा मार दिया। बाहुबली कुछ बोल पाता उससे पहले अवंतिका फिर से बोलती है, बलदेवपुर के राजा की निगाहें माहिष्मती साम्राज्य पर टिकी हुई थी और ये जानते ही मैंने इसे वहाँ के राजा की जासूसी पर लगा दिया और आज इसने मुझे ये खबर दी है कि वहाँ के राजा जल्द ही माहिष्मती पर हमला कर सकते हैं। और ये सुनकर बाहुबली की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो अपनी भारी और गुस्सैल आवाज में बोलता है, उसकी इतनी हिम्मत कि वो माहिष्मती पर अपनी काली नजर डाले ये मैं होने नहीं दूंगा। ये सुनकर अवंतिका बोलती है, कैसे गुस्से में आकर तुमने तो गद्दी छोड़ दी, ये बिना जाने कि इसका अंजाम क्या क्या हो सकता है। अवंतिका ये बात बोलती ही है तभी पीछे से आवाज आती है, माहिष्मती की गद्दी हमेशा से बाहुबली की थी और हमेशा रहेगी। किसी की आवाज सुनकर बाहुबली और अवंतिका दोनों की नजर उस ओर जाती है जहाँ से ये आवाज आ रही होती है। दोनों उस इंसान को देख कर चौंक जाते हैं और फिर बाहुबली बोलता है, माँ आप यहाँ? ये सुनकर देवसेना अपना घूंघट ऊपर करती है और सबके सामने अपना चेहरा लाती है और इसके बाद वो बोलती है, मुझे माफ करना अवंतिका, मैंने बिना जाने और समझे तुम पर सवाल उठाए। ये बोलकर देवसेना अवंतिका के आगे हाथ जोड़ लेती है और ये देखकर अवंतिका देवसेना के पास जाती है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलती है, नहीं राजमाता, ये आपका कर्तव्य था जिसे कि आपने पूरा किया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। और ये सुनकर बाहुबली भी अवंतिका से माफी मांगने लगता है। उस पर अवंतिका बोलती है, अभी माफी मांगने का समय नहीं है, ये समय है माहिष्मती के दुश्मनों के साथ लड़ने का। हमें फिर से माहिष्मती के दुश्मनों को ये दिखाना होगा कि हमारे राज्य पर नजर डालने वालों का अंजाम क्या होता है। और ये सुनकर बाहुबली बोलता है, मैं बाहुबली देवसेना और अमरेंद्र बाहुबली का पुत्र अभी इसी वक्त ये प्रण लेता हूँ कि जो भी माहिष्मती के ऊपर नजर डालेगा मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा और माहिष्मती पर उठने वाले सभी हाथों को काट कर रख दूंगा
और जब तक मैं अपना ये प्रण पूरा नहीं कर लेता, मैं माहिष्मती की गलती पर अपना हक नहीं जताऊंगा। क्या होगा इस जंग का अंजाम? क्या बाहुबली कर पाएगा अपना प्रण पूरा? कैसे बाहुबली बन गई राजमौली की पहली डिजिटल इमेजरी फिल्म? क्या इस फिल्म में 100 फीट ऊंचा स्टैचू था किसी से इंस्पायर? बाहुबली के लिए, बाहुबली 3 के लिए क्या कहा प्रभास ने? नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी वर्मा करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। आपको ये भी बता देते हैं, फिल्म में जो भल्लाल देव का 100 फीट ऊंचा स्टैचू था वो भी इंस्पायर्ड था गॉड ऑफ रोड से। जी हाँ दोस्तों, उनका भी एक इसी तरीके का स्टैचू माना जाता है। ये ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड हैं। ऐसा माना जाता है जब वो जीते थे एक वॉर में तो उनका इस तरीके का स्टैचू बनाया गया था। खैर आपको बता दें, प्रभास जो है उन्हें किसी भी फिल्म से लिंक कर दिया जाए, लेकिन ये बात तो सभी जानते हैं कि वो बाहुबली फिल्म से ही हिट हुए थे और बाहुबली फिल्म ही उनकी फॉरएवर रिमेम्बर्ड फिल्म रहेगी। बाहुबली फिल्म उनके दिल के काफी करीब है और हाल ही में एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया बाहुबली 3 के बारे में तो उनका कहना यही था कि मैं बाहुबली 3 में बहुत काम करना चाहता हूँ, मेरी बहुत ज्यादा इच्छा है बाहुबली 3 में काम करने की। हालांकि अब तक बाहुबली 3 से रिलेटेड कोई भी न्यूज नहीं आई है, लेकिन अगर राजमौली सर चाहे तो बाहुबली 3 बहुत जल्द हम सबके बीच हो सकती है। और इसीलिए प्रभास सारे अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को खत्म कर रहे हैं जिससे वो बाहुबली 3 को फोकस भी कर पाए। तो आपको क्या लगता है वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे यही इसी चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंद्र कहाँ जाने वाले हैं? फिल्म में आगे क्या होने वाला है? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, अमरेंद्र अपने पिता के किंगडम को आगे ले जाने में लग गए। सबसे पहले उन्होंने अपने किंगडम में उन लोगों पर ध्यान देना स्टार्ट करते हैं जो युद्ध के कारण इंजर्ड हो गए थे। अमरेंद्र ने उन सभी के ट्रीटमेंट के लिए खर्चा किया और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दिए ताकि वो अपनी लाइफ को थोड़ा अच्छे से जी सके। इसके बाद उन्होंने और भी दूसरे लोगों पर भी ध्यान दिया जिनकी डेथ उस फाइट में हो गई थी। उन्होंने उनकी फैमिली पर भी खर्चा किया और साथ ही उन सभी की फैमिलीज को पूरी तरह से हर हेल्प और सर्विस प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी अपने हाथों ली। जैसा सुनने के बाद वहां के लोग को थोड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद वो देखते हैं कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसे हेल्प की नीड हो और उसे वो नहीं मिल रही हो जिनकी उन्हें जरूरत हो। जिसके बाद उन्हें ऐसे कुछ लोग मिलते हैं जिनका वो ध्यान रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ भल्लाल देव के पिता भल्लाल देव की मौत का बदला लेना चाहते थे, लेकिन वो कुछ नहीं करने पा रहे थे और यही क्योंकि उनके साथ का कोई भी नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने बदला लेना चाहा और उसके लिए उन्होंने पहले ऐसे लोगों को ढूंढना स्टार्ट करा जिसे भड़का कर वो इसका इस्तेमाल कर सके। इसके लिए वो वहां के जेल में भी गए ताकि वहां से कुछ कैदियों को लेकर एक ग्रुप बना सके। वहां से उनको 4 ऐसे कैदी मिले जो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वो उन सब के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं, लेकिन प्लान बनाते टाइम उन्हें समझ आता है कि वो अमरेंद्र को मारने के लिए काफी नहीं है। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे करके अपने जैसे इंसानों को खोजना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि वो एक आम इंसान का भी ब्रेन वॉश करके उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते थे। फिल्म में हमें ये देखने को मिलने वाला है कि अमरेंद्र सारे कैदियों से जेल में मिलने जाता है और जितने भी बुढ़े कैदी थे वो उन्हें आजाद कर देगा ये हुक्म देता है, जिसके बाद उन सभी बुढ़े कैदियों को रिहा कर दिया गया। अमरेंद्र वापस अपने महल लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लाचार इंसान ऐसे ही रोड पे पड़ा हुआ है, जिसके बाद वो अपने आदमियों को पूछते हैं कि वो कौन है, जिस पर वो उन्हें बताता है कि वो यहाँ के पास के गांव का रहने वाला है। इसकी बीमारी के कारण इसके घर से निकाल दिया गया है, जिसके बाद वो कहते हैं कि उसे महल में लाया जाए और वहीं पे उसका इलाज करवाया जाए। महल जाने के बाद वो सारी बात अपनी माँ को बताता है, जिसके थोड़ी देर बाद वो एक मीटिंग रखते हैं जिसमें आज जो भी हुआ उसे डिस्क्राइब करते हैं और अपने फेलो मेंबर से पूछते हैं कि उनके हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि उस इंसान की फैमिली को यहाँ बुलाकर उनसे पूछताछ करनी चाहिए। कुछ कहते हैं कि उनकी फैमिली को उनके इलाज के लिए पैसे देने चाहिए। जैसे पूरे दूसरे मिनिस्टर्स कहते हैं कि ऐसी हालत और भी कई प्लेसेस की है। जिसके बाद ये डिसाइड किया गया कि पहले ये पता लगाया जाएगा कि ये कहां पे हो रहा है, जिसके बाद वो उसके ऊपर एक्शन लेंगे। अब देखना ये है कि अब आगे क्या होने वाला है। गद्दार
कौन है भल्लाल देव का बेटा, गद्दी के लिए हुई लड़ाई। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बाहुबली अपने सभा में बैठा होता है, धोती कुर्ता, गले में मोतियों की माला और सर पर माहेश्वरी का राज मुकुट। चारों तरफ से सैनिकों से घिरे सिंहासन पर बाहुबली बैठा होता है, जहां उसके एक तरफ राजमाता देवसेना बैठी होती है तो दूसरी तरफ कटप्पा खड़ा होता है, जिसकी आंखों में माहेश्वरी के लिए वही पुरानी वफादारी झलक रही होती है। सामने बाहुबली के मंत्री बैठे होते हैं, जो एक एक करके राज्य में हो रहे कल्याणकारी कामों के बारे में बता रहे होते हैं, जिसमें से एक खड़ा होता है और बाहुबली के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, माहेश्वरी राज्य की जय हो। महाराज बाहुबली, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गोमती नदी पर जो बांध बनाया जा रहा था उसका काम पूरा हो गया है और इसके शुरू होने से जनता बहुत खुश है। ये सुनकर बाहुबली बोलता है, ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं खुद आकर उस बांध को देखना चाहूंगा। इसके बाद कटप्पा सभा को समाप्त करने का आदेश देता है, लेकिन बाहुबली कटप्पा को रोक देता है और बोलता है, दादा रुको, मैं उस बूढ़ी औरत से बात करना चाहता हूँ जिसे दरबारी अंदर आने से रोक रहे हैं। ये सुनकर कटप्पा इशारा करता है और दरबारी उस बूढ़ी औरत को अंदर आने देते हैं। वो बूढ़ी औरत अंदर आती है और बाहुबली के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलती है, राजा मुझे न्याय चाहिए, आज ये दुखियारी एक राजा के सामने भीख मांगती है। ये सुनकर बाहुबली अपनी गद्दी से उठकर नीचे आता है और उस बूढ़ी औरत को उठाते हुए बोलता है, क्या हुआ माँ आपके साथ, मुझे बताइए। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत बोलती है, राज्य के कुछ साहूकारी ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया और मुझे मेरे घर से निकाल दिया है। ये बोलकर वो रोने लगती है। बाहुबली कुछ सैनिकों को बुलाता है और बोलता है, जाओ और इनको जो भी काम है कर दो और उस साहूकार को पकड़ कर ले आओ। इसके बाद बाहुबली सभा से बाहर चला जाता है। बाहुबली अपने कमरे में आराम कर रहा होता है कि तभी एक सैनिक अंदर आता है और बाहुबली के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, महाराजा आपके लिए किसी का पत्र आया है। ये बोलकर सैनिक वो पत्र बाहुबली को दे देता है और वहां से चला जाता है। बाहुबली उस पत्र को लेता है और धीरे से कुछ सोचते हुए खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। बाहुबली, तुमने मेरे पिता और भाई को मारकर अच्छा नहीं किया, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। तुम, तुम्हारी प्रजा, तुम्हारा परिवार सब मुझसे दया की भीख मांगेंगे, तब भी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे द्वारा बनाए गए बांध में छेड़ करवा दिया है, जिससे धीरे धीरे वो बांध टूट जाएगा और आधी माहेश्वरी डूब जाएगी। ये पढ़कर बाहुबली परेशान हो जाता है और जल्दी से अपने सैनिकों के पास जाता है और उनसे बोलता है, जल्दी से गांव चलने का इंतजाम करो। ये सुनकर उसके सैनिक तुरंत बाहुबली का रथ निकालते हैं और बाहुबली उस पर सवार होकर गांव के लिए निकल पड़ता है। क्या लगता है आपको, बाहुबली बचा पाएगा माहेश्वरी को? की तलाश है बाहुबली को, कौन रख रहा है बाहुबली पर नजर, कौन फैला रहा है अफवाह? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूँ इंडियन सिनेमा के ब्लॉकबस्टर आइकॉनिक मूवी बाहुबली के सीक्वल यानी बाहुबली 3 के बारे में। बाहुबली 3 और उसमें प्रभास की एक्टिंग दोनों का क्रेज इस लेवल पर है कि लोग उसकी एक झलक पाने के लिए बेकरार है। अनुष्का शेट्टी जब देवसेना के रूप में पर्दे पर आएगी तो पूरा सिनेमा हिल जाएगा। तो आज हम इस एक्शन और ट्रेडिशन के मिश्रण से भरी इस फिल्म की स्टोरी जानने जा रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बाहुबली पत्र पढ़ते ही माहेश्वरी को बाढ़ से बचाने निकल जाता है और अपनी सूझबूझ और ताकत का इस्तेमाल करके माहेश्वरी को बचा ही लेता है। लेकिन उसके मन में एक बात है जो अभी भी घूम रही है कि आखिरकार वो इंसान है कौन जिसने अपने बदले के लिए पूरी माहेश्वरी की प्रजा की जान दांव पर लगा दी। अब इसके आगे चारों तरफ बाहुबली की जय जयकार हो रही होती है, सभी प्रजा उस बांध के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है और बाहुबली को घेर लेती है और उसकी जय जयकार करने लगती है। बाहुबली सभी के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, मुझे क्षमा करें, मेरी लापरवाही की वजह से आप सभी को जान जान दांव पर लग गई, मुझे अपने सैनिकों से इसकी मजबूती की जांच पहले ही करवा लेनी चाहिए थी। ये सुनकर प्रजा बोलती है, ऐसी गलतियां तो होती रहती है, आपने अपनी सूझबूझ से हमें बेघर होने से बचा लिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी। ये सुनकर बाहुबली कहता है, नहीं, ये गलती नहीं महापाप है,
इतने लोगों की जान खतरे में डालना एक राजा के लिए पाप से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। ये बोलकर बाहुबली वापस अपने रथ पर चढ़ता है और प्रजा से माफी मांगकर वहां से चला जाता है। बाहुबली अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रहा होता है कि तभी वो अपने बिस्तर पर से उठता है और तुरंत अपने एक सैनिक से बोलता है, जाओ और कटप्पा दादा को ये संदेश दे आओ कि बाहुबली उनसे मिलना चाहते हैं, कोई जरूरी विषय में बात करनी है। ये सुनकर सैनिक मुड़ता है और तुरंत वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बाहुबली अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा होता है कि तभी कटप्पा अंदर आता है और धीरे से बाहुबली के बगल में आकर खड़ा हो जाता है। बाहुबली को अपने बगल में किसी के खड़े होने का एहसास होता है और वो मुड़ता है और कटप्पा को देखता है। कटप्पा बाहुबली को देखकर बोलता है, क्या हुआ, तुम बहुत ही चिंतित नजर आ रहे हो। ये सुनकर बाहुबली कटप्पा को जवाब देता है, हाँ दादा बात ही कुछ ऐसी है। ये सुनकर कटप्पा बाहुबली के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, क्या बात है, जरूर ही कोई बड़ी बात होगी, नहीं तो मैंने तुम्हें कभी इस तरह चिंतित नहीं देखा। ये सुनकर बाहुबली कटप्पा को वो पत्र देते हुए बोलता है, दादा ये पत्र है मेरी चिंता का कारण। ये बोलकर बाहुबली वो पत्र कटप्पा के हाथ में दे देता है। कुछ देर तक उस पत्र को पढ़ने के बाद कटप्पा बाहुबली की तरफ देखता है और बोलता है, भल्लाल देव का पुत्र, ये कैसे हो सकता है, उसका पुत्र तो पहले ही तुम्हारे हाथों मारा जा चुका है। ये सुनकर बाहुबली कहता है, हाँ दादा मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्या ये कोई मजाक है या पता नहीं। ये सुनकर कटप्पा कहता है, मुझे नहीं लगता किसी में इतनी हिम्मत है कि वो माहेश्वरी के महाराज से मजाक कर सके। तो क्या लगता है आपको, बाहुबली ढूंढ पाएगा भल्लाल देव के पुत्र को, जानेंगे हम अगली वीडियो में। क्या है बच्चे की सच्चाई, किसने चली है बड़ी चाल, क्या होगा बाहुबली के साथ, जानेंगे अपनी आज की इस वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपके लिए है एक गुड न्यूज, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। प्रभास जो अब अपने नाम से कम और बाहुबली के नाम से ज्यादा जाने जाने लगे हैं, वो एक बार फिर बाहुबली के पार्ट 3 के साथ आ रहे हैं। बाहुबली को अभी भी इंडियन फिल्म हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक माना जाता है। SS राजमौली के द्वारा डायरेक्ट की गई ये फिल्म फिर से अपने रिकॉर्ड बनाने आ रही है। तो चलिए देखते हैं प्रभास की इस मूवी की स्टोरी क्या होगी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बाहुबली जनता के बीच घूम घूम कर उनकी परेशानियों को दूर कर रहा होता है, लेकिन तभी उस पर एक आदमी आकर वार कर देता है और तभी जनता में खड़ी एक औरत बाहुबली और उस चाकू के बीच में आ जाती है, जिससे वो चाकू उस औरत को लग जाता है। बाहुबली उसका इलाज करवाता है लेकिन अंत में ना उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं हमलावर भी सैनिकों की मार को झेल नहीं पाता और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और फिर बाहुबली ये निर्णय लेता है कि वो उस औरत के बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही पालेगा। अब इसके आगे की कहानी सुनिए। 20 साल बाद महल के बीचों बीच अखाड़े में बाहुबली जो अब एक बड़ी उम्र का हो चुका है वो एक नौजवान लड़के के साथ तलवारबाजी कर रहा है। दोनों ने धोती पहनी थी और हाथ में तेज धार तलवार पकड़ी थी। दोनों की नजर एक दूसरे की तलवार पर थी जैसे गिद्ध की नजर अपने शिकार पर होती है। कटप्पा के कहते ही दोनों तलवारबाजी शुरू करते हैं। दोनों की तलवार आपस में टकरा रही होती है, छन छन खटखट की आवाजें महल में ना गूंज रही होती है। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा होता है कि जैसे उनसे निपुण तलवारबाज आज तक इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। दोनों के पैर हाथ एक साथ चल रहे होते हैं, कभी बाहुबली उस लड़के पर भारी पड़ता है तो कभी वो बच्चा बाहुबली पर। दोनों में से कौन बेहतर है ये कह पाना मुश्किल हो रहा था। तभी बाहुबली एक बार में उस लड़की के हाथ से तलवार गिरा देता है और बाहुबली अपनी जगह पर खड़ा होकर उस लड़के से बोलता है, मैंने कहा था ना देवेंद्र, मैं भले ही बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन अभी भी मुझसे बेहतर तलवारबाज इस राज्य में कोई नहीं। लेकिन बाहुबली अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले वो बच्चा जल्दी से तलवार उठाता है और बाहुबली पर प्रहार कर देता है, जिससे बाहुबली की तलवार नीचे गिर जाती है और उसके हाथ पर तलवार से खरोच आ जाती है जिससे खून भी बहने लगता है। देवेंद्र तुरंत ही अपनी तलवार नीचे गिरा देता है और भाग कर बाहुबली के पास जाता है और उसके हाथ पर लगे चोट को अपनी धोती के कपड़े से बांध देता है। देवेंद्र को घबराए हुए देख बाहुबली उसके सर पर हाथ रखता है और बोलता है, पुत्र तुम मेरे सबसे वफादार शिष्य हो और सबसे योग्य भी,
घंटों पर अपनी आंखें बंद करके भी भरोसा कर सकता हूँ। ये सुनकर देवेंद्र बोलता है, पिताश्री मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। उसके बाद देवेंद्र अपने कमरे में आराम कर रहा होता है कि तभी एक सैनिक उसके कमरे में आता है और उसे कुछ ऐसा बोलता है जिसे सुनकर देवेंद्र के होश उड़ जाते हैं। तो क्या लगता है आपको कौन है वो आदमी, हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में दोस्तों। जैसे बाहुबली बन गई राजमौली की पहली डिजिटल इमेजरी फिल्म, क्या इस फिल्म में 100 फीट ऊंचा स्टैचू था किसी से इंस्पायर्ड? बाहुबली के लिए, बाहुबली 3 के लिए क्या कहा प्रभास ने? नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी वर्मा करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। आपको ये भी बता देते हैं, फिल्म में जो भल्लाल देव का 100 फीट ऊंचा स्टैचू था वो भी इंस्पायर्ड था गॉड ऑफ रोड से। जी हाँ दोस्तों, उनका भी एक इसी तरीके का स्टैचू माना जाता है। ये ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड है, ऐसा माना जाता है जब वो जीते थे एक वॉर में तो उनका इस तरीके का स्टैचू बनाया गया था। खैर आपको बता दें, प्रभास जो है उन्हें किसी भी फिल्म से लिंक कर दिया जाए, लेकिन ये बात तो सभी जानते हैं कि वो बाहुबली फिल्म से ही हिट हुए थे और बाहुबली फिल्म ही उनकी फॉरएवर रिमेम्बर्ड फिल्म रहेगी। बाहुबली फिल्म उनके दिल के काफी करीब है और हाल ही में एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया बाहुबली 3 के बारे में तो उनका कहना यही था कि मैं बाहुबली 3 में बहुत काम करना चाहता हूँ, मेरी बहुत ज्यादा इच्छा है बाहुबली 3 में काम करने की। हालांकि अब तक बाहुबली 3 से रिलेटेड कोई भी न्यूज नहीं आई है, लेकिन अगर राजमौली सर चाहे तो बाहुबली 3 बहुत जल्द हम सबके बीच हो सकती है। और इसीलिए प्रभास सारे अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को खत्म कर रहे हैं जिससे वो बाहुबली 3 को फोकस भी कर पाए। तो आपको क्या लगता है वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे यही इसी चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कौन है गद्दार, कौन है भल्लाल देव का बेटा, गद्दी के लिए हुई लड़ाई? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बाहुबली अपने सभा में बैठा होता है, धोती कुर्ता, गले में मोतियों की माला और सर पर माहेश्वरमति का राज मुकुट। चारों तरफ से सैनिकों से घिरे सिंहासन पर बाहुबली बैठा होता है, जहां उसके एक तरफ राजमाता देवसेना बैठी होती है तो दूसरी तरफ कटप्पा खड़ा होता है जिसकी आंखों में माहेश्वरमति के लिए वही पुरानी वफादारी झलक रही होती है। सामने बाहुबली के मंत्री बैठे होते हैं जो एक एक करके राज्य में हो रहे कल्याणकारी कामों के बारे में बता रहे होते हैं, जिसमें से एक खड़ा होता है और बाहुबली के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, माहेश्वरमति राज्य की जय हो। महाराज बाहुबली, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गोमती नदी पर जो बांध बनाया जा रहा था उसका काम पूरा हो गया है और इसके शुरू होने से जनता बहुत खुश है। ये सुनकर बाहुबली बोलता है, ये तो बहुत अच्छी खबर है, खुद आकर उस बांध को देखना चाहूंगा। इसके बाद कटप्पा सभा को समाप्त करने का आदेश देता है, लेकिन बाहुबली कटप्पा को रोक देता है और बोलता है, दादा रुको, मैं उस बूढ़ी औरत से बात करना चाहता हूं जिसे दरबारी अंदर आने से रोक रहे हैं। ये सुनकर कटप्पा इशारा करता है और दरबारी उस बूढ़ी औरत को अंदर आने देते हैं। वो बूढ़ी औरत अंदर आती है और बाहुबली के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलती है, राजा मुझे न्याय चाहिए, आज ये दुखियारी एक राजा के सामने भीख मांगती है। ये सुनकर बाहुबली अपनी गद्दी से उठकर नीचे आता है और उस बूढ़ी औरत को उठाते हुए बोलता है, क्या हुआ माँ आपके साथ, मुझे बताइए। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत बोलती है, राज्य के कुछ साहूकारी ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया और मुझे मेरे घर से निकाल दिया है। ये बोलकर वो रोने लगती है। बाहुबली कुछ सैनिकों को बुलाता है और बोलता है, जाओ और इनको जो भी काम है कर दो और उस साहूकार को पकड़ कर ले आओ। इसके बाद बाहुबली सभा से बाहर चला जाता है। बाहुबली अपने कमरे में आराम कर रहा होता है कि तभी एक सैनिक अंदर आता है और बाहुबली के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, महाराजा आपके लिए किसी का पत्र आया है। ये बोलकर सैनिक वो पत्र बाहुबली को दे देता है और वहां से चला जाता है। बाहुबली उस पत्र को लेता है और धीरे से कुछ सोचते हुए खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। बाहुबली, तुमने मेरे पिता और भाई को मारकर अच्छा नहीं किया, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। तुम, तुम्हारी प्रजा, तुम्हारा परिवार सब मुझसे दया की भीख मांगेंगे, तब भी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे द्वारा बनाए गए बांध में छेड़ करवा दिया है जिससे धीरे धीरे वो बांध टूट जाएगा और आधी माहेश्वरमति डूब जाएगी। ये पढ़कर बाहुबली परेशान हो जाता है और जल्दी से अपने सैनिकों के पास जाता है और उनसे बोलता है, जल्दी से गांव चलने का इंतजाम करो,
ये सुनकर उसके सैनिक तुरंत बाहुबली का रथ निकालते हैं और बाहुबली उस पर सवार होकर गांव के लिए निकल पड़ता है। क्या लगता है आपको, बाहुबली बचा पाएगा महेश्वरी को? कौन है भल्लाल देव का बेटा जो लेने आया है अपने पिता और भाई की मौत का बदला? जैसे बाहुबली बन गई राजमौली की पहली डिजिटल इमेजरी फिल्म, क्या इस फिल्म में 100 फीट ऊंचा स्टैचू था किसी से इंस्पायर्ड? बाहुबली के लिए, बाहुबली 3 के लिए क्या कहा प्रभास ने? नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी वर्मा करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। आपको ये भी बता देते हैं, फिल्म में जो भल्लाल देव का 100 फीट ऊंचा स्टैचू था वो भी इंस्पायर्ड था गॉड ऑफ रोड से। जी हाँ दोस्तों, उनका भी एक इसी तरीके का स्टैचू माना जाता है। ये ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड हैं। ऐसा माना जाता है जब वो जीते थे एक वॉर में तो उनका इस तरीके का स्टैचू बनाया गया था। खैर आपको बता दें, प्रभास जो है उन्हें किसी भी फिल्म से लिंक कर दिया जाए, लेकिन ये बात तो सभी जानते हैं कि वो बाहुबली फिल्म से ही हिट हुए थे और बाहुबली फिल्म ही उनकी फॉरएवर रिमेम्बर्ड फिल्म रहेगी। बाहुबली फिल्म उनके दिल के काफी करीब है और हाल ही में एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया बाहुबली 3 के बारे में तो उनका कहना यही था कि मैं बाहुबली 3 में बहुत काम करना चाहता हूँ, मेरी बहुत ज्यादा इच्छा है बाहुबली 3 में काम करने की। हालांकि अब तक बाहुबली 3 से रिलेटेड कोई भी न्यूज नहीं आई है, लेकिन अगर राजमौली सर चाहे तो बाहुबली 3 बहुत जल्द हम सबके बीच हो सकती है। और इसीलिए प्रभास सारे अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को खत्म कर रहे हैं जिससे वो बाहुबली 3 को फोकस भी कर पाए। तो आपको क्या लगता है वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे यही इसी चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाहुबली को मिला गद्दार, कौन है भल्लाल देव का पुत्र, कैसे बचाएगा बाहुबली महिष्मती को आने वाले खतरे से, किससे होगी जंग? इंडिया सिनेमा पर अपनी छाप छोड़ने बाहुबली 3 बहुत जल्द आने वाली है जिसका इंतजार फैंस काफी दिनों से कर रहे हैं। इस बार की स्टोरी भी महेंद्र बाहुबली पर बेस्ड होगी जिसमें उनके जीवन में आने वाले पड़ावों को दिखाया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम बाहुबली की स्टोरी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बाहुबली कटप्पा को उस पत्र के बारे में बताता है जिसमें भल्लाल देव के पुत्र ने बाहुबली को धमकी देते हुए लिखा था। कटप्पा भी इस बात से परेशान हो जाता है और बाहुबली के साथ मिलकर भल्लाल देव के पुत्र को ढूंढने में लग जाता है। अब इसके आगे बाहुबली अपने उस सैनिक को बुलाता है जिसने भल्लाल देव के पुत्र का पत्र बाहुबली तक पहुँचाया था और उससे बोलता है, तुम्हें ये पत्र कहाँ से मिला? ये सुनकर सैनिक थोड़ा डर जाता है और बोलता है, महाराज वो ये पत्र मुझे एक गांव के आदमी ने दिया था और कहा था कि ये बाहुबली तक पहुँचा दो। मैंने जब उससे ये पूछा कि इसमें क्या लिखा है तो उसने कहा कि इसमें उसकी परेशानियाँ लिखी है जो वो आप तक पहुँचाना चाहता था। ये सुनकर बाहुबली बोलता है, तुम घबरा क्यों रहे हो, तुमने कोई गलती नहीं की है, ये तुम्हारा काम था जो तुमने बखूबी निभाया। ये बोलकर बाहुबली उस सैनिक के कंधे पर हाथ रखता है और फिर बोलता है, अब इसके आगे तुम्हारा ये धर्म है कि तुम उस आदमी को ढूंढ निकालो जिसने तुम्हें ये पत्र दिया। ये बोलकर बाहुबली वहाँ से चला जाता है। बाहुबली अपनी सभा में अपने मंत्रियों के साथ बैठा होता है और महिष्मती साम्राज्य के बारे में चर्चा कर रहा होता है कि तभी एक सैनिक भाग कर सभा में आता है और हाँफते हुए बोलता है, महाराज महिष्मती पर किसी ने हमला कर दिया है। ये सुनकर सभा में बैठे सभी लोग चौंक कर अपनी जगह से उठ जाते हैं और उस सैनिक की तरफ देखने लगते हैं। कटप्पा भी खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है, किसकी इतनी हिम्मत जो महिष्मती पर हमला कर सके, कौन अपनी मौत को दावत देने आया है, क्या उसे अपने प्राणों से प्रेम नहीं? ये सुनकर बाहुबली खड़ा होता है और कटप्पा को शांत करते हुए बोलता है, दादा थोड़ा शांत रहिए, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। ये सुनकर कटप्पा अपनी तलवार नीचे करता है और सैनिक आगे बोलता है, हमारे राज्य को चारों तरफ से किसी दूसरे राज्य के सैनिकों ने घेर लिया है। ये सुनकर बाहुबली बोलता है, किस राज्य के सैनिकों ने हमें घेरने की जरूरत की है? ये सुनकर सैनिक हड़बड़ाते हुए बोलता है, महाराज वो सैनिक हमारे पड़ोसी राज्य के नहीं है, वो किसी और ही राज्य के हैं जो हमारे लिए एकदम नए हैं। ये सुनकर बाहुबली सोच में पड़ जाता है और बोलता है, ये कैसे हो सकता है? बाहुबली इसके आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ये एक और सैनिक आता है जिसके हाथ में पत्र होता है। सैनिक बाहुबली के पास आता है और देते हुए बोलता है, महाराज ये पत्र उन सैनिकों के राजा ने आप तक पहुँचाने को कहा है,
और ये बोलकर पत्र बाहुबली को दे देता है और बाहुबली उस पत्र को लेता है और उससे पढ़ना शुरू करता है। प्यारे भाई, मैं तुम्हारा इंतजार रणभूमि में कर रहा हूँ। ये हमारी पहली मुलाकात होगी। आशा है कि तुम रणभूमि को छोड़कर भागोगे नहीं। ये सुनकर बाहुबली अपने सिंहासन पर से उठता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि युद्ध के मैदान में जल्द से जल्द पहुंचो। बाहुबली भी अपनी तैयारियों में लग जाता है और युद्ध के लिए पूरी तरह से निकल जाता है। तो क्या लगता है आपको कौन जीतेगा ये युद्ध? महेंद्र का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है? महेंद्र उन लोगों को कैसे पकड़ेगा? भल्लाल देव के पिता को क्या सजा दी जाएगी? फिल्म बाहुबली 2015 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में हमें प्रभास महेंद्र बाहुबली के रोल में नजर आए थे। राणा द गुबाती ने भल्लाल देव का रोल प्ले किया था। अनुष्का शेट्टी फिल्म में देवसेना का रोल प्ले किया था। तमन्ना ने अवंतिका का रोल प्ले किया था। एक बार फिर से बाहुबली फिल्म के मेकर्स इस फिल्म की थर्ड पार्ट को बनाने जा रहे हैं। फिल्म में इस बार प्रभास महेंद्र बाहुबली का रोल प्ले करने वाले हैं। अनुष्का शेट्टी फिल्म में देवसेना बनेंगी। तमन्ना ने अवंतिका का रोल प्ले किया है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि महेंद्र जेल में वेश बदल कर जाते हैं। वहां जाने के बाद वो देखते हैं कि वो सभी साजिश कर रहे हैं, जिसके बाद महेंद्र को गुस्सा आता है, लेकिन वो वहां पे कुछ नहीं करता और चुपचाप पूरी बातें सुनता है। वहां से निकलने के बाद वो सीधे अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुनने के बाद वो उससे कहती है कि उसे इस बात को बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ाना होगा और साथ ही उसे बहुत आराम से सबसे डील करना होगा। जिसे सुनने के बाद वो इस मैटर पर ध्यान देता है और अपनी माँ को कहता है कि शादी से पहले उसे इस मैटर को भी सॉल्व करना है। अब देखना यह है कि वो इस मैटर को कैसे सॉल्व करेंगे। फिल्म में आगे हमें ये देखने को मिलने वाला है कि महेंद्र अगले दिन भल्लाल देव के फादर को रंगे हाथों पकड़ेंगे और उनके साथ जितने भी लोग थे वो उन्हें दूसरे जेल में शिफ्ट कर देंगे, जिसके बाद वो भल्लाल देव के पिता को अकेले में मिलने के लिए बुलाते हैं। जब भल्लाल देव के पिता को कहते हैं कि उन्हें क्या दिक्कत है उससे, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिसे सुनने के बाद वो कहते हैं कि उसने उनके बेटे को मार कर ठीक नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ उसे अपने बेटे का बदला लेना चाहते हैं। महेंद्र उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो उनके बेटे जैसा ही है और बदले में कुछ नहीं रखा है, इसलिए उन्हें अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ना चाहिए और दूसरों की तरह खुशियां देने और लेने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब उनकी जिंदगी बची हुई है और अगर वो अपना बदला ले भी लेते हैं और अगर वो मर जाए तो उसके बाद भी उन्हें वो राज्य तो मिल ही जाएगा और आप संभाल भी लेंगे, लेकिन आपके बाद उसे कौन संभालेगा। महेंद्र उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है और वो कुछ टाइम देता है ताकि वो महेंद्र की बातों को समझ सके, जिसके बाद महेंद्र अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है, जिसके बाद उसकी माँ उसे कहती है कि उसने ठीक किया। वहीं जिन लोगों को दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया था उन सब से महेंद्र मिलने जाते हैं और उन सबको भी समझाने की कोशिश करते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं उसमें उनका भविष्य नहीं है। महेंद्र उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करते हैं और उन्हें भी टाइम देते हैं। अब देखना यह है कि अब आगे क्या होने वाला है। अब देखते हैं कि आखिर बाहुबली 3 कितना कमाल और धमाल मचाते हैं। आप अपने ओपिनियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिल्म बाहुबली 3 और उससे जुड़ी कोई भी न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बाहुबली ने की शादी, प्रजा ने किया किसका समर्थन, क्या बताया देवसेना ने कटप्पा को। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश विश्वकर्मा, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि देवसेना बाहुबली को ये बताती है कि वो राजमाता का पद छोड़ रही है। ये जानने के बाद बाहुबली देवसेना से इसका कारण पूछता है तो देवसेना बताती है कि वो बाहुबली और अवंतिका की शादी की वजह से ये निर्णय ले रही है। इस बात से गुस्से में आकर बाहुबली खुद ही राज्य छोड़ने का फैसला लेता है और अवंतिका के साथ खुद ही महल छोड़कर चला जाता है। बाहुबली जाते जाते सारी जिम्मेदारियां देवसेना को देकर जाता है। अब इसके आगे की कहानी हम इस वीडियो में देखेंगे। बाहुबली अवंतिका को लेकर महल से बाहर ही निकल रहा होता है कि पीछे से कटप्पा भागकर बाहुबली के पास आता है और बोलता है, बाहुबली ये तुम क्या कर रहे हो, इस राज्य को तुम्हारी जरूरत है, राजमाता को तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो। ये सुनकर बाहुबली बोलता है, मामा मैं हमेशा माहिष्मति के साथ हूँ, मैं हमेशा आपके और माँ के साथ हूँ,
जब भी जरूरत हो बस एक बार याद कर लेना, मैं वहीं हाजिर हो जाऊंगा। ये सुनकर कटप्पा फिर से बोलता है, नहीं बाहुबली, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। जो भी गलत फहमियाँ है हमें बैठकर सुलझानी चाहिए। मैंने पहले भी ये सब देखा है, इसका नतीजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ये हम सभी जानते हैं। ये सुनकर बाहुबली बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे अपना धर्म और कर्तव्य का पालन करने दीजिए, ऐसे मत रोकिए मुझे जाना होगा। ये सुनकर कटप्पा देवसेना की तरफ देखता है, जो उसी भरी सभा में बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ी होती है और ये सब होते हुए देख रही होती है। मन ही मन देवसेना बाहुबली को रोकना चाहती है लेकिन उसे नहीं रोकती है। कहीं न कहीं उसे लगता था कि एक दिन जब बाहुबली को अवंतिका की सच्चाई पता चल जाएगी तो वो खुद ही वापस आ जाएगा। इस सब के बाद बाहुबली अवंतिका को लेकर चला जाता है और राज्य में जाकर आम लोगों की जिंदगी जीने लगता है। एक छोटे से घर में वो और अवंतिका साथ में रहते हैं। आम लोग बाहुबली का आदर करते हैं और उसे सम्मान से देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ देवसेना अवंतिका के खिलाफ सबूत ढूंढने में लगी रहती है लेकिन उसे कहीं से भी अवंतिका के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो का यहीं पे करते हैं अंत। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। शुरू होगी बाहुबली 3 की शूटिंग, आखिर कौन होगा शिवगामी के रोल में, किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी बाहुबली 3। गाइज अगर बात करें साउथ एक्टर प्रभास की तो वो आजकल काफी चर्चे में है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, तो चलिए इसका भी जवाब देते हैं। दरअसल इस पॉपुलैरिटी का रीजन है उनकी फिल्में। जी हाँ, प्रभास ने फैंस के दिल जीतने के लिए बैक टू बैक सुपर हिट फिल्में देने की पूरी तैयारी कर ली है। वैसे तो ये पहली बार नहीं है जब प्रभास अपनी एक्टिंग से लोगों को दीवाना बना रहे हैं। इससे पहले भी बाहुबली और राधे श्याम जैसी मूवी से उन्होंने फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिल्म बाहुबली ने तो लोगों को प्रभास का इस कदर दीवाना बना दिया कि लोगों ने न सिर्फ बाहुबली के पहले बल्कि दूसरे पार्ट को भी काफी सराहा। दोनों फिल्मों की सफलता और फैंस का प्यार देखते हुए मेकर्स ने फिल्म के तीसरे पार्ट को भी बनाने की अनाउंसमेंट कर दी है। एक्टर प्रभास ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि आप बाहुबली सीरीज का थर्ड पार्ट भी जल्दी देख सकेंगे। प्रभास की इस स्टेटमेंट के बाद लोगों को फिल्म के ट्रेलर और फिल्म से जुड़ी खबरों का बेसब्री से इंतजार था। अब अगर बात करें फिल्म से जुड़े र्यूमर्स की, तो पहले तो ये खबर आई थी कि फिल्म की शूटिंग को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है, पर हाल ही में ये सुनने में आया है कि फिल्म के प्री प्रोडक्शन के काम को कंप्लीट करने के बावजूद मेकर्स ने फिल्म को नहीं बनाने का फैसला लिया है। पर अगर बात करें न्यू अपडेट्स की, तो अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि मेकर्स ने फिल्म के शूट को दोबारा शुरू करने का फैसला ले लिया है। जी हाँ, बाहुबली सीरीज का थर्ड पार्ट बाहुबली बिफोर द बिगनिंग को फिर से शूट किया जाएगा और न सिर्फ फिल्म की शूटिंग बल्कि फिल्म को किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा इसका फैसला भी मेकर्स ने कर लिया है। अगर सोर्स की माने तो बाहुबली बिफोर द बिगनिंग को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं फिल्म की स्टोरी और स्टार कास्ट की। गाइस, बाहुबली फ्रेंचाइजी के थर्ड पार्ट को एक सीरीज की तरह बनाने की अनाउंसमेंट की गई थी और ये भी बताया गया था कि फिल्म में शिवगामी देवी के बारे में दिखाया जाएगा। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कौन करेगा शिवगामी देवी का रोल। वैसे तो इस रोल के लिए सबसे पहले मृणाल ठाकुर को चुना गया था और उन्होंने फिल्म की 70% शूटिंग भी कंप्लीट कर ली थी, पर प्रोडक्शन हाउस के खराब प्लानिंग और टाइमिंग की वजह से मृणाल ने फिल्म से खुद को अलग कर लिया है। मृणाल के फिल्म छोड़ने के बाद लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर कौन करेगा शिवगामी देवी का रोल। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन है जो मृणाल को रिप्लेस करेगा बाहुबली सीरीज में। जी हाँ, वमिका गबी करेंगी शिवगामी का रोल। मेकर्स ने फाइनली अपनी लीड एक्ट्रेस को ढूंढ लिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है ये। जब वी मेट और 83 जैसी हिट फिल्मों में इन्हें देखा गया था और अब हम उन्हें देखेंगे बाहुबली बिफोर द बिगनिंग में शिवगामी के रोल में। तो सिंह बनेंगे अगले बाहुबली। आखिर क्यों प्रभास को किया गया फिल्म से बाहर? क्या प्रभास और मेकर्स में हुई कोई अनबन? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। गाइज, ये तो आप सभी को पता है कि साउथ फिल्मों का जादू लोगों पर इस कदर छाया है कि लोग फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर फिल्म के फैंस का इंतजार बस लंबा ही होता रहा है। बाहुबली 3 के अनाउंसमेंट के बाद फिल्म के प्री प्रोडक्शन के काम को पूरा कर लेने के बाद भी फिल्म के शूट को बंद कर दिया गया। इसका रीजन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बीच की बॉन्डिंग बताई जा रही है और ना सिर्फ प्री प्रोडक्शन बल्कि फिल्म के कास्ट को लेकर भी मेकर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।
जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि बाहुबली फ्रेंचाइजी का प्रीक्वल बाहुबली बिफोर द बिगनिंग एक सीरीज है जो शिवगामी देवी के जिंदगी पर बेस्ड है, और शिवगामी देवी के रोल के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर को अप्रोच किया गया था, और उन्होंने फिल्म के 70% शूट को भी कंप्लीट कर लिया था, पर मेकर्स के प्लान और मृणाल के विचार अलग होने के कारण उन्होंने फिल्म के शूट को बीच में ही छोड़ दिया, जिसके बाद फिल्म में दूसरी एक्ट्रेस को शिवगामी देवी के रोल के लिए कास्ट किया गया। इसी तरह की और भी बहुत सारी परेशानियां ऐसी रही जो बाहुबली के मेकर्स को फिल्म के शूट के दौरान फेस करनी पड़ी। तो चलिए अब बात करते हैं फिल्म से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट अपडेट की, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। एक इंटरव्यू के दौरान जब साउथ सुपरस्टार प्रभास ने इस बात की कंफर्मेशन दी थी कि फिल्म का सीक्वल भी जल्द ही रिलीज किया जाएगा, तब फैंस के मन में जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि प्रभास भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे, क्या प्रभास ही बनेंगे अगले बाहुबली। पर अगर सोर्सेस की माने तो एक्टर प्रभास ने अपने बिजी स्केड्यूल और डेट्स फुल होने के कारण फिल्म को करने से मना कर दिया, जिसके बाद फैंस काफी निराश हुए और हर कोई ये जानना चाह रहा था कि आखिर कौन बनेगा अगला बाहुबली। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर किस एक्टर ने किया है सुपरस्टार प्रभास को रिप्लेस। गाइस, ये तो आप सभी को पता है कि फिल्म के मेकर्स काफी दिनों से फिल्म के लीड एक्टर की तलाश में, और फाइनली अब जाकर खत्म हुई है मेकर्स की तलाश। बाहुबली बिफोर द बिगिनिंग के लीड के लिए बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को सिलेक्ट किया गया। गाइस, प्रभास के फिल्म से बाहर होने के बाद मेकर्स ने रणवीर सिंह को अप्रोच किया था, पर उनके बिजी स्केड्यूल की वजह से मेकर्स को कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी गई थी। पर अगर सोर्सेस की माने तो अब मेकर्स को इस फिल्म में रणवीर सिंह के रोल को लेकर कंफर्मेशन दे दी गई है। ये तो आप सभी को पता है कि बाहुबली के रोल में फैंस ने प्रभास को कितना प्यार दिया, तो अब देखना यह है कि क्या रणवीर सिंह को भी फैंस का उतना ही प्यार मिलेगा, क्या रणवीर सिंह कर पाएंगे प्रभास को रिप्लेस, और क्या प्रभास का फिल्म में ना होने से होगा फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर असर। तो गाइस, अब कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या आप भी एक्साइटेड हैं रणवीर को बाहुबली के रोल में देखने के लिए, क्या आपकी भी एक्साइटमेंट कम हो गई फिल्म में प्रभास के ना होने से। अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, और देखिए सब हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली वीडियो में। बाहुबली के लिए डर रहे हो क्या? जब एक ही मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। रणवीर सिंह बनेंगे अगले बाहुबली? आखिर क्यों प्रभास को किया गया फिल्म से बाहर? क्या प्रभास और मेकर्स में हुई कोई अनबन? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। गाइस, ये तो आप सभी को पता है कि साउथ फिल्मों का जादू लोगों पर इस कदर छाया है कि लोग फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर फिल्म के फैंस का इंतजार बस लंबा ही होता रहा है। बाहुबली 3 के अनाउंसमेंट के बाद फिल्म के प्री प्रोडक्शन के काम को पूरा कर लेने के बाद भी फिल्म के शूट को बंद कर दिया गया। इसका रीजन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बीच की बॉन्डिंग बताई जा रही है, और ना सिर्फ प्री प्रोडक्शन बल्कि फिल्म के कास्ट को लेकर भी मेकर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि बाहुबली फ्रेंचाइजी का प्रीक्वल बाहुबली बिफोर द बिगनिंग एक सीरीज है जो शिवगामी देवी के जिंदगी पर बेस्ड है, और शिवगामी देवी के रोल के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर को अप्रोच किया गया था, और उन्होंने फिल्म के 70% शूट को भी कंप्लीट कर लिया था, पर मेकर्स के प्लान और मृणाल के विचार अलग होने के कारण उन्होंने फिल्म के शूट को बीच में ही छोड़ दिया, जिसके बाद फिल्म में दूसरी एक्ट्रेस को शिवगामी देवी के रोल के लिए कास्ट किया गया। इसी तरह की और भी बहुत सारी परेशानियां ऐसी रही जो बाहुबली के मेकर्स को फिल्म के शूट के दौरान फेस करनी पड़ी। तो चलिए अब बात करते हैं फिल्म से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट अपडेट की, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। एक इंटरव्यू के दौरान जब साउथ सुपरस्टार प्रभास ने इस बात की कंफर्मेशन दी थी कि फिल्म का सीक्वल भी जल्द ही रिलीज किया जाएगा, तब फैंस के मन में जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि प्रभास भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे, क्या प्रभास ही बनेंगे अगले बाहुबली। पर अगर सोर्सेस की माने तो एक्टर प्रभास ने अपने बिजी स्केड्यूल और डेट्स फुल होने के कारण फिल्म को करने से मना कर दिया, जिसके बाद फैंस काफी निराश हुए और हर कोई ये जानना चाह रहा था कि आखिर कौन बनेगा अगला बाहुबली। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर किस एक्टर ने किया है सुपरस्टार प्रभास को रिप्लेस। गाइस, ये तो आप सभी को पता है कि फिल्म के मेकर्स काफी दिनों से फिल्म के लीड एक्टर की तलाश में, और फाइनली अब जाकर खत्म हुई है मेकर्स की तलाश।
बाहुबली बिफोर द बिगिनिंग के लीड के लिए बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को सिलेक्ट किया गया। गाइस प्रभास के फिल्म से बाहर होने के बाद मेकर्स ने रणवीर सिंह को अप्रोच किया था, पर उनके बिजी स्केड्यूल की वजह से मेकर्स को कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी गई थी। पर अगर सोर्सेस की माने तो अब मेकर्स को इस फिल्म में रणवीर सिंह के रोल को लेकर कंफर्मेशन दे दी गई है। ये तो आप सभी को पता है कि बाहुबली के रोल में फैंस ने प्रभास को कितना प्यार दिया, तो अब देखना यह है कि क्या रणवीर सिंह को भी फैंस का उतना ही प्यार मिलेगा, क्या रणवीर सिंह कर पाएंगे प्रभास को रिप्लेस, और क्या प्रभास का फिल्म में ना होने से होगा फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर असर। तो गाइज अब कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या आप भी एक्साइटेड हैं रणवीर को बाहुबली के रोल में देखने के लिए, क्या आपकी भी एक्साइटमेंट कम हो गई फिल्म में प्रभास के ना होने से। अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। कौन सा खिताब अपने नाम किया बाहुबली ने, कैसे फिर से छाया प्रभास का जादू, कितने मिलियन व्यूज मिले फिल्म के लेटेस्ट गाने को। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। लगता है अब बॉलीवुड स्टार्स को बच के रहना होगा। जी हाँ, क्योंकि अब हर जगह छा रहा है बस एक ही नाम, और वो नाम है बाहुबली प्रभास का। पहले जहां बाहुबली फिल्म से सबका दिल जीत बैठे, प्रभास एक के बाद एक फिल्म अपने नाम कर रहे हैं, वही अब फिल्मों के अलावा प्रभास ने एक बेहतरीन जगह पर अपना नाम बुक करवाया है। और ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, बल्कि यूके टॉप एशियन सेलेब्स की लिस्ट में टॉप रैंक यानी नंबर वन पोजीशन अपने नाम की। जी हाँ, प्रभास ने वर्ल्ड में साउथ एशियन सेलिब्रिटी ऑफ 2021 में टॉप रैंक हासिल की। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं। वैसे दिल जीतने में तो प्रभास का कोई जवाब नहीं, और लगता है अब तो और फैन फॉलोइंग बढ़ने वाली है, क्योंकि प्रभास की एक और जबरदस्त लव स्टोरी जो बड़े पर्दे पर दिखने वाली है फिल्म राधे श्याम में। ऐसे में हाल ही में इस फिल्म का नया गाना लॉन्च हुआ है और काफी पसंद किया जा रहा है। ये गाना है तो दर्द भरा, लेकिन दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है, तभी तो इतनी जल्दी इस गाने को YouTube पे 17 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। इस बेहतरीन गाने को और भी खूबसूरत बनाया है अरिजीत सिंह और मिथुन ने अपनी आवाज से, और इस गाने को लिखा है मनोज मुंतशीर ने, और म्यूजिक प्रोडक्शन है बॉबी श्रीवास्तव एंड गोड्सविल मेरघुलहाउ की। तो भाई फिल्म में कलाकार से लेकर बाहुबली 4 में क्यों नहीं दिखेंगे बाहुबली और भल्लाल देव इसमें? कितने शहरों से चुने जा रहे हैं इसके किरदार? सो हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो बाहुबली एक भव्य फिल्म थी। हम सब जानते हैं कि बाहुबली की कहानी में शिवगामी देवी भल्लाल देव और अमरेंद्र बाहुबली की माँ है। अब जब बाहुबली 4 भी बनने जा रही है, जिसको बाहुबली वेब सीरीज से कनेक्ट किया जा रहा है, मेकर्स इस वेब सीरीज बाहुबली बिफोर द बिगनिंग के माध्यम से शिवगामी देवी की कहानी दिखाएंगे कि उसने कैसे इतना बड़ा साम्राज्य संभाला और अपनी जनता के साथ हमेशा न्याय किया। नेटफ्लिक्स इस वेब सीरीज को बहुत बड़े स्तर पर शूट करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसके लिए पूरे देश से कलाकारों को साइन किया जा रहा है। आपको बता दें, बाहुबली 4 और बाहुबली वेब सीरीज को कॉन्टिन्यूटी में बनाया जाएगा, जिसमें पहले बाहुबली वेब सीरीज को दिखाया जाएगा, उसके बाद बाहुबली 4 को इसके साथ ही कनेक्ट किया जाएगा। भारतीय डायरेक्टर SS राजमौली की सुपरहिट फिल्म सीरीज बाहुबली ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इस फिल्म सीरीज की दोनों फिल्में पूरे भारत में पसंद की गई थी। फिल्म में कलाकार राणा दग्गुबाती ने खलनायक भल्लाल देव का किरदार निभाया था, जिसने उन्हें भारतीय सिनेमा के आइकॉनिक खलनायकों में जगह दिला दी। बाहुबली सीरीज सुपरहिट होने के बाद OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने ऐलान किया कि वो बाहुबली बिफोर द बिगनिंग नाम की एक सीरीज बनाएगा, जिसमें शिवगामी देवी की कहानी देखने को मिलेगी। बाहुबली बिफोर द बिगनिंग के लिए उत्साहित दर्शक ये जानने के लिए बेचैन है कि इसमें भल्लाल देव और महेंद्र बाहुबली दिखाई देंगे या नहीं।
तो आपको बता दें कि इस सिलसिले में कलाकार राणा दग्गुबाती से बात की गई, जिन्होंने बताया कि वो इस वेब सीरीज में दिखाई नहीं देंगे क्योंकि यह उनकी नहीं बल्कि उनकी माँ की कहानी है। राणा के अनुसार ये वेब सीरीज हमारी नहीं बल्कि हमारी माँ की कहानी है। इस कहानी में हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ है तो हम कैसे दिखाई दे सकते हैं। वेब सीरीज बाहुबली बिफोर द बिग ने राइटर आनंद नीलकंठन की किताब पर आधारित होगी। राणा दग्गुबाती ने कहा है कि अगर इस वेब सीरीज के सीक्वल बनते हैं तो मैं और प्रभास इसमें दिख सकते हैं, तो हो सकता है बाहुबली 4 में इन्हें देखा जाए। बाहुबली 4 की कहानी को वेब सीरीज से जोड़कर आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें दिखाया जाने वाला है कि कैसे शिवगामी ने मुसीबतें झेली और बाहुबली की माँ बनी। सीरीज में माँ की कहानी के साथ साथ सभी पात्रों को दिखाया जाएगा, लेकिन फोकस ज्यादा शिवगामी पर ही रहेगा। लेकिन क्या आप बाहुबली 4 की वेब सीरीज में भल्लाल देव को देखना चाहते हैं? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम जल्द मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लोराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लू बनात की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। कौन है वो अमिका? बाहुबली 4 होगी स्पिन ऑफ, क्यों रिप्लेस किया गया पुरानी राजमाता को? अगर अफवाहों पर थोड़ा सा भी विश्वास किया जाए तो हो सकता है वामिका गब्बे को मेगा फिल्म बाहुबली 4 में एक निडर न्यायाधीश महारानी शिवगामी के रूप में फिल्म निर्माता एसएस राजमौली की बाहुबली सीरीज के प्रीक्वल में देखा जा सकता है। माना जा रहा है कि बाहुबली 4 वामिका युवा शिवगामी की भूमिका निभा सकती है। साउथ के स्टार नयनतारा भी इस पीरियड ड्रामा के एक प्रमुख भूमिका निभाती नजर आएंगी पूरी ऑडियंस को। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हाल ही में सीरीज ने अपने आकर्षण और परफॉर्मेंस से दर्शकों और आलोचकों को मुख्य मुग्ध करने वाली वामिका गब्बे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वो एक प्रोफेशनल की तरह तलवारबाजी कर रही थी और अभ्यास करती नजर आई। उन्होंने अपने दुश्मनों पर घातक हमला करते हुए और एक मजे हुए युद्ध की तरह हमले का बचाव करते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि इस अभिनय नेटफ्लिक्स बाहुबली बिफोर द बिगनिंग पर आने वाली सीरीज में शिवगामी के किरदार के उनकी भूमिका का भी हिस्सा हो सकता है। अगर ये तलवारबाजी असली है तो उन्हें प्यारी मनु से निडर योद्धा के रूप में देखना उनके सभी प्रशंसकों के लिए खुद ब खुद आश्चर्य की बात होगी। लेकिन क्या नई शिवगामी पुरानी राजमाता के सेट किए गए रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगी? राजमाता के रोल के साथ साथ बाहुबली 4 में बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान से भी बात चल रही है। सब कुछ सही रहा तो वो फिल्म में सलमान नजर आ सकते हैं और हो सकता है कि फिल्म में सलमान के साथ अमिताभ बच्चन भी बाहुबली 4 में नजर आए। मगर इस फिल्म में प्रभास नहीं होंगे ये तो पक्का है, क्योंकि प्रभास आजकल अपने दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी है और एसएस राजमौली भी अब नए चेहरों के साथ काम करने के लिए काफी दिलचस्प लग रहे हैं। यही कारण है कि वामिका को राजमाता के लिए चुना जा रहा है। साथ ही बता दें कि बाहुबली की कहानी पहले तो पाक से एकदम अलग होगी, इसमें ज्यादा फोकस राजमाता शिवगामी पर दिया जाएगा। एक तरह से बाहुबली का स्पिन ऑफ हो सकता है। अब जिसमें किसी के किरदार की छानबीन की जाए तो बाहुबली 4 में ये छानबीन शिवगामी के साथ की जाएगी। तो आप कितने एक्साइटेड हैं ये फिल्म को देखने के लिए? क्या आप नई कास्ट को एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब। कैसे हुई थी राजमौली और प्रभास की दोस्ती? आखिर क्या क्या बातें करते थे दिन रात राजमौली और प्रभास? क्यों नहीं होंगे प्रभास बाहुबली 4 में? सो हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। बाहुबली मूवी डायरेक्टर एसएस राजमौली और प्रभास के बारे में कौन नहीं जानता है? इन दोनों को ही फिल्म बाहुबली से पहचान मिली। बाहुबली सिर्फ एक साल या दो साल की बनी फिल्म नहीं थी, बल्कि इसमें कई रातों की बातें भी शामिल थी। आपको यह जानकर बहुत अचंभा होगा कि फिल्म निर्देशक एसएस राजमौली ने कहा है कि उनकी फिल्म बाहुबली का लीड किरदार केवल और केवल प्रभास के लिए ही लिखा गया था।
बाहुबली किरदार को रचे जाने के समय को याद करते हुए राजमौली ने कहा, प्रभास और मैंने इससे 10 साल पहले एक फिल्म पर काम किया था और हम गहरे दोस्त बन गए थे। हम दिन रात घंटों बातें करते थे, केवल बाहुबली को लेकर ही नहीं बल्कि फिल्म निर्माण के तमाम पहलुओं पर। फिल्म निर्माण पर उन्होंने कहा, फिर हमारे तार जुड़ गए, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने लगे थे। वे जानते थे कि मेरी एक युद्ध संबंधी फिल्म बनाने की गहरी इच्छा है और वह इसके लिए तैयार थे। राजमौली ने कहा कि प्रभास ने पूरे 3 साल कोई और काम ना लेकर खुद को बाहुबली के लिए समर्पित रखा, यहाँ तक कि वह इसमें तो ज्यादा ही घुस गए थे। जब मैंने इस फिल्म के लिए 1.5 साल तक की तारीखें मांगी थी तो वो हंस पड़े और कहा, आप इस फिल्म को कभी इतने समय में नहीं बना पाओगे। और इस तरह उन्होंने स्वयं को लगभग 3.5 साल दूसरे कामों से दूर रखा और अंत में इस फिल्म को बनाने में 5 साल लग गए और प्रभास इसके लिए फिर भी अवेलेबल थे। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि प्रभास तब भी मौजूद थे जब किरदारों का लिखा जाना भी शुरू नहीं हुआ था। मेरा मतलब, हमने अनुष्का, शिवगामी और कटप्पा के लिए लिखे हुए किरदारों के आधार पर कलाकारों को लिया, लेकिन प्रभास के साथ ऐसा नहीं है। यह किरदार उनके लिए ही लिखा गया था, उनको किरदार के हिसाब से नहीं चुना गया था। शायद यही वजह है कि बाहुबली एक ऐतिहासिक फिल्म साबित हुई। इस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म बाहुबली 4 भी आने वाली है, जो इससे अलग कहानी और अलग किरदारों वाली कहानी होने वाली है। हालांकि इसमें प्रभास नहीं होने वाले हैं, क्योंकि प्रभास इस वक्त कई अन्य कामों में उलझे हुए हैं और इससे बाहुबली 4 के लिए मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनात की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं कि वो अपने पति के इस बलिदान पर आंसू बहाए। क्या प्रभास का नहीं लग रहा पूजा हेगड़े के बिना दल? आखिर क्या है पूजा का बाहुबली कनेक्शन? क्या बाहुबली 3 की कहानी शुरू हो सकती है नए सिरे से? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दिस इज प्राची, योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। बी टाउन की सबसे इंटरेस्टिंग जोड़ी बनी हुई है फिलहाल साउथ की सुपरस्टार प्रभास और न्यू एज ब्यूटी पूजा हेगड़े की। उनकी फिल्म आने वाली है राधे श्याम, जो अभी से ही ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बना रही है। प्रभास और पूजा एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं कि अब उन दोनों का एक दूसरे के बिना फिल्म करने में मन ही नहीं लग रहा है। बाहुबली की सेट से आ रही खबरें बताती है कि थर्ड सीक्वल के लिए प्रभास पूजा का नाम रिकमेंड कर रहे हैं। पूजा हेगड़े फिल्म इंडस्ट्री के अभी तक टॉप सितारों के साथ काम कर चुकी है। उनकी पहली हिंदी फिल्म आई थी मोहनजोदारो, जिसमें उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ काम किया था। वहीं अभी वो प्रभास के साथ काम कर रही हैं और जल्द ही बॉलीवुड के दबंग खान के साथ भी उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है। प्रभास बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक सभी टैलेंटेड एक्ट्रेस के साथ काम कर चुके हैं, पर उनका दिल अटक पड़ा है पूजा हेगड़े के पास। शायद पूजा हेगड़े की वजह है कि बाहुबली के थर्ड सीक्वल को नए सिरे से शुरू किया जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खबर आ रही है कि बाहुबली 3 की कहानी को एक फ्रेश स्टोरी में बनाया जाएगा और इसमें मेन लीड रोल में हमें प्रभास और पूजा हेगड़े नजर आ सकती हैं और जल्द ही उनकी केमिस्ट्री हमें फिर से देखने को मिलेगी। और इस बार हिस्टोरिकल में भी दोनों काफी अमेजिंग रोमांस और केमिस्ट्री दिखाते हुए नजर आएंगे। पर अभी ऐसा ये हो या ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगले 3 साल तक प्रभास तो बिल्कुल भी फ्री नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रभास की 4 फिल्म लाइनअप है और वहीं पूजा को भी कई फिल्मों की शूटिंग अभी करनी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब बाहुबली और बाहुबली 2 की शूटिंग हो रही थी तब प्रभास ने कोई भी फिल्म नहीं लिए थे, यानी कि 3 से 4 साल तक प्रभास के पास कोई भी काम नहीं था, वो पूरी तरीके से बाहुबली पे फोकस्ड थे। और ऐसा ही शायद बाहुबली 3 के सीक्वल में भी हो सकता है, वो अपना पूरा फोकस इस फिल्म पर करेंगे। Thank you.
बनने जा रही है बाहुबली 3, क्या हमारे प्रभास ने दिया इस फिल्म का हिंट? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जैल। दोस्तों, बाहुबली 3 का वेट बहुत टाइम से हो रहा है। हमें ये भी पता है कि बाहुबली 2 में सब कुछ एंड हो चुका है, लेकिन एक उम्मीद होती है ना, वो दिल में है, और अब प्रभास ने वो उम्मीद एक बार फिर से जगा दी है इसका हिंट देकर। जी हाँ दोस्तों, बाहुबली में कुछ ऐसा है जो हमें हमेशा खींचता है और हम चाहते हैं कि इसके पार्ट्स बनते रहे। वो सीन याद दिला दे जिस दिन माहिष्मती साम्राज्य के भाग्य का निर्णय होना था, कौन राजा बनेगा, कौन अपने समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को संभालेगा, इसका निर्णय लिया जाना था। राजमहल के सामने भीड़ खड़ी थी, भीड़ के सामने थे अमरिंदर बाहुबली, शपथ भी ले रहे थे, लेकिन राजा की नहीं, सेनापति की। राजा की शपथ पहले ही ली जा चुकी थी। राजा बने भल्लाल देव, यानी बाहुबली के बड़े भाई और राजमाता शिवगामी के पुत्र, लेकिन भीड़ चाहती थी राजा अमरिंदर बाहुबली बने, कोई और नहीं, कोई और उन्हें स्वीकार्य ही नहीं था, किसी भी कीमत पर नहीं। लेकिन अब राजा भल्लाल देव थे कानूनी रूप से भी, राजमाता शिवगामी को दिए गए वचन के अनुसार भी। राजमहल के आंगन में एक ऊंचे मंच पर शपथ ली जा रही थी, लेकिन भीड़ अपना नायक बहुत पहले ही चुन चुकी थी। तभी एक योद्धा मंच पर चढ़ता है और कहता है, अमरिंदर बाहुबली यानी मैं। और सोचिए, उस वक्त सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और सोचिए जो उस वक्त वहां पर मौजूद होगा, उसकी असंख्य प्रजा, उसका क्या हुआ होगा, उनका धन, उनका मान, प्राण का रक्षक महाराजा भल्लाल देव की सर्व सेना का अध्यक्ष, निरंतर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, मुझे अगर प्राण भी त्यागना पड़े तो संकोच नहीं करूंगा, राजमाता शिवगामी को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूँ। उस वक्त अमरिंदर बाहुबली ने जो शपथ ली थी वो आज तक हम भूल नहीं पाए। उसके बाद भीड़ का सब्र टूट जाता है, भीड़ से एक नारा उठता है, हमें चाहिए बाहुबली। बस समस्या इसी लाइन में है, हमें चाहिए। ये समस्या केवल बाहुबली के चाहने वालों की नहीं, स्पाइडरमैन के चाहने वालों की भी है, आयरन मैन के चाहने वालों की भी है। ये इशू काफी पुराना है, बस समय बदल जाता है, जगह बदल जाती है, वस्तु बदल जाती है, लेकिन इच्छा नहीं बदलती, हमेशा और अधिक चाहने की इच्छा। इतिहास की कोख में जब पहले आदम की पहली सांस ने जन्म लिया था, उससे पहले ही एक चीज जन्म ले चुकी थी, वो चीज थी इच्छा, पहली सांस लेने की इच्छा। बस यही दर्शन शास्त्र इस फिल्म के चाहने वालों की इच्छा के पीछे काम करता है। बाहुबली 1 आने के बाद पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा था, एक ही सवाल के पीछे पागल था कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। इसीलिए बाहुबली 2 भी आ गई, इस सवाल का जवाब भी मिल गया। और लेकिन अब तक लोगों को बाहुबली के प्रभास को देखने की आदत नहीं जाई, वो आदत अभी तक पड़ चुकी है, और अब उन्हें बाहुबली का तीसरा पार्ट चाहिए। फैंस की समस्या ये है कि उनकी अपने पसंदीदा हीरो को और अधिक देखने की इच्छा कभी खत्म ही नहीं होती। बाहुबली 3 आएगी कि नहीं, ये सवाल उतना ही पुराना है जितना कि बाहुबली 2 की रिलीज डेट है। मतलब जिस दिन फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ, उसी दिन से फिल्म के तीसरे पार्ट का इंतजार हो रहा है। बस उन्हीं इंतजार करने वालों के लिए एक खबर है, और आपको बता दें, इंटरव्यू में बाहुबली हमारे जो प्रभास है, उन्होंने हिंट दिया है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बाहुबली 2 तक जो स्क्रिप्ट थी, मैंने 6 स्क्रिप्ट कंप्लीट की, और शायद SS राजा मौली के हाथ में और भी स्क्रिप्ट थी, और ये संगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लोराज से जा रहा है तो यहां की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है।
बलिदान पर आंसू बहाए। यदि आंसू का एक कतरा भी बहा वो आंसू की बूंद नहीं ज्वाला का रूप लेगी। कल्लाई बंदरगाह के कुरेशियों से पूछना चाहिए था चंद्रोत के पराक्रम के बारे में। कलयुग के इस रावण के विनाश के लिए एक महाअवतार की आवश्यकता है। मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लोराज से जा रहा है तो यहां की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। क्या बाहुबली 3 मूवी की जगह फैंस को देखने को मिलेगी बाहुबली? ऐसे में क्या मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लोराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनात की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं कि वो अपने पति के इस बलिदान पर आंसू बहाए। यदि आंसू का एक कतरा भी बहा आपको बता देंगे कि इंटरव्यू में एस एस राजमौली जो की इस फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने कहा कि वो जरूर तीसरे पार्ट को लाना चाहेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि ऐसा हो सकता है कि इस बार फिल्म की कहानी को एक नए सीरीज से शुरुआत की जाए। इसका मतलब साफ साफ है कि जहाँ पर पार्ट 2 में कहानी को खत्म किया गया था जरूरी नहीं है कि पार्ट 3 में कहानी को वहीं से शुरू किया जाए। जिसका साफ मतलब है कि माहेश्वरी साम्राज्य की कहानी थोड़ी बदल सकती है। पिछले दोनों पार्ट की तरह ही थर्ड पार्ट को भी ग्रैंड बजट पर बनाया जाएगा। और आपको बता दें कि फिल्म के सक्सेस को देखते हुए मेकर्स तो इस पर और भी बारीकियों पर ध्यान देने वाले हैं। आपको जैसे कि पता ही होगा कि बाहुबली का जो फर्स्ट पार्ट में लुक था वो सेकेंड पार्ट से काफी ज्यादा अलग था। और इसी तरह बिल्कुल थर्ड पार्ट में भी इससे भी और ज्यादा मेहनत करने वाले हैं बाहुबली। आपको बता दें कि वो अपने बॉडी और मसल्स को पंप अप करके अपने किरदार को और भी ज्यादा एनहांस करके दिखाने वाले अपने ऑडियंस को। डाली प्रभास इस पर हिस्टोरिकली साइंस फिक्शन का इस्तेमाल करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि सबसे ज्यादा यूनिक चीज तो यही होगी कि किस तरीके से साइंस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए वो हमें नजर आने वाले हैं इस फिल्म में। जिस तरीके से लड़ाई और एक्शन सीन्स को फिल्म में दिखाया जाएगा वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं होंगे। आपको बता दें कि बिल्कुल हाई टेक ग्राफिक एनिमेशन के साथ एकदम दिलचस्प तरीके से ये ऑडियंस को दिखाने वाले हैं। मतलब कि हाथ में तलवार तो जरूर होगा लेकिन उसी के साथ स्पार्क और मैजिक। मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लोराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनात की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं कि वो अपने पति के इस बलिदान पर आंसू बहाए। कहाँ रिलीज होगी बाहुबली 3? क्या इस बार
इस बार बाहुबली 3 एक वेब सीरीज के तौर पर बनेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज। मैं वयासना आज आपके लिए लेकर आई हूँ बाहुबली 3 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। डायरेक्टर एसएस राजामौली ने जब पापा विजेंद्र प्रसाद की लिखी कहानी पर मूवी बनाने का फैसला लिया, तब उन्होंने नहीं पता था कि ये इतनी विराट हो जाएगी। इसलिए इसकी प्लानिंग दो फिल्मों के हिसाब से ही की गई, बाहुबली द बिगिनिंग और द कंक्लूजन। लेकिन पहली बाहुबली रिलीज हुई और सब कुछ बदल गया। भयंकर पैसा, भारी लोकप्रियता मिला और फिर बाहुबली ने भी कई रिकॉर्ड तोड़े। अब बाहुबली 3 आ रही है और इसने न सिर्फ अपनी सीरीज की पहली और दूसरी मूवी बल्कि हिंदुस्तानी सिनेमा की आज तक की सब फिल्मों की कमाई को तोड़ने का इशारा कर दिया है। अगर कोई प्रोडक्ट पैसा कूट रहा है तो चाहे आपने हीरो हीरोइन को मार डाला है, चाहे शुरू से आखिरी तक की जर्नी दिखा दी है, राइटर अपनी कलम की ताले खोल कर कल्पना लोक से फिर भी कुछ न कुछ निकाल ही लाएंगे, क्योंकि अरबों दांव पर लगे हैं ना, यही होने जा रहा है लगता है इस बार। एसएस राजामौली ने लंदन के खचाखच भरे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट में अपनी मूवी की स्क्रीनिंग के दौरान इस संभावना से इनकार नहीं किया कि बाहुबली 3 बन सकती है। आपको पता होगा कि जब बाहुबली मूवी रिलीज हुई थी तब इसने कितना धमाल मचाया था और एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। बाहुबली में कटप्पा ने बाहुबली को मार देता है और इसी को जाने के लिए लोग बाहुबली 2 का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। उसके बाद बाहुबली 2 आती है जिसने बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसे में अब लोगों को इंतजार है बाहुबली 3 की। तो अगर आप भी बाहुबली 3 का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ बाहुबली 3 रिलीज डेट के बारे में। तो बाहुबली 3 अब की बार नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी और अब की बार बाहुबली 3 को वेब सीरीज के रूप में बनाया जा रहा है जो 9 एपिसोड्स का होगा। बाहुबली 3 को 2023 में देखा जा सकेगा। बाहुबली 3 को नेटफ्लिक्स और एसएस राजामौली मिलकर बना रहे हैं। इस मूवी की शूटिंग को स्टार्ट कर दिया गया है। मूवी बाहुबली के दोनों पार्ट की स्टोरी काफी अच्छी रही है। बाहुबली के पहले पार्ट में दिखाया गया कि कटप्पा बाहुबली को मार देता है, लेकिन क्यों मारता है इसे पहले पार्ट में नहीं दिखाया गया। उसके बाद बाहुबली 2 को रिलीज किया जाता है जिसमें दिखाया गया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा है। अब बात करते हैं बाहुबली 3 के स्टोरी के बारे में, वो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बाहुबली 3 में बाहुबली के पहले पार्ट के पहले की कहानी दिखाई जाएगी। बाहुबली 3 का नाम होगा भारतीय सिनेमा में बाहुबली एक ऐसी फिल्म थी जिसने ना जाने कितने सारे रिकॉर्ड तोड़े। बाहुबली का पहला पार्ट साल 2015 में आया था और इसका दूसरा पार्ट 2017 में आया था जिसमें विदेश में भी झंडे गाड़े थे। ऐसे में इस फिल्म की शूटिंग कैसे हुई और वो भव्य सीन जिसे आप देखकर मोहित हो गए थे वो कैसे शूट की गई, आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। बाहुबली 4 के निर्देशन की बात करें तो पुष्कर और गायत्री फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। इन्हीं के निर्देशन में फिल्म के ओरिजिनल वर्जन को बनाया गया है, लेकिन फिलहाल फिल्म के रिलीज डेट को लेकर कोई भी खबर नहीं आई है। ऐसा बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग इस साल के एंड तक शुरू कर दी जाएगी। सभी को पता है फिल्म का पूरा हिस्सा VFX की शानदार तकनीक से बनाया गया है और ऐसे कई सारे ऑलरेडी फिल्म शूट हो चुकी हैं जिसे VFX द्वारा बनाया गया है। बाहुबली ने अपने VFX के काम को एक नया अंदाज दिया है। आप ऐसे फिल्म विदेश में ही देख सकते हैं। बाहुबली 2 में भी कई सीन्स VFX की मदद से शूट किए गए थे और वो फाइट वाला सीन भल्लाल देव और महेंद्र बाहुबली की टक्कर होती है
ये सीन देखकर आप तालियां तो जरूर बजा रहे होंगे। वैसे ये सीन असल में कुछ ऐसे शूट किया गया था कि दो लोग एक बड़े मैदान में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन वो हॉल था जिसे VFX की मदद से मैदान कर दिया गया। VFX इफेक्ट जिसके कारण ये फिल्म पूरी दुनिया में डंका बजा रही है। विदेशी मीडिया में भी इस VFX की तारीफ हो रही है। विदेशी मीडिया में भी इसके काम की तारीफ हो रही है। डायरेक्टर SS राजमौली की इस फिल्म को पिछले साल सबसे बड़े हिट फिल्मों में गिना गया है। वैसे VFX का इस्तेमाल फिल्म के पहले हिस्से में भी किया गया था, लेकिन दूसरे पार्ट में इसकी एक अलग झलक देखने को मिली थी। बाहुबली का VFX इतना शानदार है कि दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। जहां पिछली फिल्म में 2500 VFX शॉट्स का इस्तेमाल किया गया था, वहीं बाहुबली मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लू बनात की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं कि वो अपने पति के इस बलिदान पर आंसू बहाए। क्या बाहुबली में नए किरदारों की होगी एंट्री? क्या बाहुबली के लिए छोड़ेंगे प्रभास बॉलीवुड? क्या अपने बचपन के सपने को थर्ड सीक्वल तक सीमित नहीं रखने वाले राजामौली? हेलो फ्रेंड्स, आई एम नितिन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज। एक टाइम ऐसा था जब हर दिन ये सवाल पूछा जाता था कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इस सवाल का जवाब मिला तो SS राजामौली को 1000 करोड़ का फायदा हुआ और हिंदी ऑडियंस को एक नायाब हीरो प्रभास के रूप में मिला। फिल्म का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों ने ही वर्ल्ड लेवल में काफी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और कई नए रिकॉर्ड भी बनाए। फिल्म इंडस्ट्री में अलग ही आयाम इस फिल्म ने रचे हैं। किसी भी फिल्म का पहला और दूसरा पार्ट जब हिट हो जाता है तो डायरेक्टर पर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अगला पार्ट रिलीज हो तो वो पहले दोनों से ज्यादा बेहतर रहे। फिल्म इतनी ज्यादा अमेजिंग और ब्रिलियंट थी कि उसके हर कैरेक्टर को बॉलीवुड में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में सराहा गया। ऐसे में ये तो साफ है कि अगर थर्ड सीक्वल कोई बनाता है तो वो वापस से प्रभास तक थर्ड सीक्वल रिलीज नहीं हो जाता और फिल्म सुपरहिट नहीं हो जाती वो कोई और फिल्म हाथ नहीं लगाएंगे। यानी कि प्रभास बॉलीवुड को बाहुबली के लिए छोड़ना मंजूर करने वाले हैं, लेकिन प्रभास के फिल्मी करियर में इससे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। उनकी पहली पैन इंडिया फिल्म बाहुबली ही थी जिन्होंने हिंदी ऑडियंस के बीच उन्हें पहचान दिलाई थी। अगर बीच में 5 साल के लिए वो ब्रेक भी लेते हैं तो जब ये फिल्म रिलीज होगी तो पूरी उम्मीद है कि वापस से हर जगह सिर्फ और सिर्फ प्रभास का नाम ही गूंजेगा। हर कोई इस बात से हैरान है कि आखिर कितना क्रिएटिव माइंड SS राजामौली ने बाहुबली फिल्म के लिए कैसे लगाया। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे ये सवाल भी पूछा गया कि बाहुबली जो इतनी ग्रैंड सक्सेस हासिल कर रही है उसके लिए फिल्म की बारीकियों पर काफी ज्यादा काम भी किया गया था। माहिष्मती साम्राज्य को बनाने का ये विजन राजामौली सर ने कब देखा था? तब SS राजामौली का जवाब था, बचपन से। राजामौली के बचपन का जुनून ही था जो आज बड़े पर्दे पर कई रिकॉर्ड बना रहा है और बनाते जाएगा। और एक सरप्राइज की बात यह है कि ये जुनून थर्ड सीक्वल तक सीमित नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बाहुबली करीब 1000 करोड़ रुपए की कमाई की थी।
इस फिल्म ने रिलीज होते ही कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी बड़ी और महान डायरेक्शन में बनी फिल्म ने काफी मिस्टेक्स भी की थी। जी हाँ, चलिए आपको बताते हैं बाहुबली फिल्म। वैसे तो आज तक सबने जबरदस्त काम किया है और सबके लिए जाने जाते हैं, जिसमें कोई खामी के बारे में सोचा नहीं जा सकता। लेकिन फिल्म के वाव सीन्स में ही जब गलतियाँ मिल जाए तो क्या करेंगे आप? बता दें, फिल्म का सबसे जबरदस्त सीन जिस पर शायद आप सभी ने थिएटर्स में उठकर खूब सीटी बजाई होगी, खूब तालियां बजाई होगी, ये सीन था जब भरे दरबार में माहेश्वरी के राजा भल्लाल देव के सामने जंजीरों में चक्री देवसेना की पेशी होती है और उस सीन में बाहुबली देवसेना से कहते हैं, औरत पर हाथ डालने वाले का हाथ नहीं उसका गला काटते हैं। अरविंद्र बाहुबली देवसेना को ये बात बोलते हुए सेनापति का गला घर से अलग कर देते, जिसके बाद सेनापति का सिर अलग और उनका शरीर दोनों ही जमीन पर गिरता, लेकिन उस जमीन पर कहीं भी खून गिरा नहीं होता। यही सीन की सबसे बड़ी गलती है। ऐसे तो फिल्म में काफी गलतियां बताई जाती है, जिसमें फिल्म के पहले पार्ट बाहुबली की बिगनिंग का एक सीन था, जिसमें देवसेना बल्लाल देव की चिता को जलाने के लिए लकड़ियां बिन कर एक घटे में इकट्ठा कर रही होती है। किसी को समझ नहीं आया था कि जहां देवसेना को जंजीरों में बांध कर रखा गया था वहां कोई पेड़ नहीं था, फिर भी इतनी सारी लकड़ियां टूट कर गिर गई, कहां से? आसमान से। लेकिन फिल्म के कलाकारों और डायरेक्टर ने इतना बेहतरीन काम किया था कि फिल्म ने उसे नजरें हटी तो इंसान इस पर कहां ध्यान देगा। वहीं अब आने वाली फिल्म का तीसरा पार्ट है, ऐसे में दोनों पिछले पार्ट में भल्लाल देव का किरदार काफी दमदार रहा और आने वाली फिल्म की कहानी एक प्रीक्वल बताई जा रही है। ऐसे में इस बार शायद राजमौली अपनी फिल्म के लिए कोई नया विलन लेकर आए। वैसे राजमौली काफी समय से बॉलीवुड स्टार्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं और बॉलीवुड सेलेब साउथ की फिल्मों में, फिर चाहे वो आलिया हो, अजय हो, जॉन हो या संजय दत्त हो। लेकिन बात विलेन कैरेक्टर की है तो इन दोनों साउथ में जॉन और संजय दत्त दोनों ही बॉलीवुड के बाद अब साउथ इंडस्ट्री में अपने विलेन के झंडे गाड़ रहे हैं। चाहे आप केजीएफ 2 के अधीरा को देख लो और सुनने में आया है कि जल्द ही जॉन एक साउथ फिल्म में। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। टेक्नोलॉजी का क्या किया जाएगा यूज, क्या फायदे हैं इस टेक्नोलॉजी के, प्रभास की आने वाली फिल्म्स में किस तरह की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। इस बात में कोई शक नहीं है कि बाहुबली फिल्म के बाद से प्रभास के स्टारडम में चार चांद लग गए थे, जो अब किसी बाउंड्री को नहीं जानते। आज वो एक पैन इंडिया स्टार है जो देश भर से भारी फैन फॉलोइंग अपने नाम रखते हैं। अब इसका नतीजा ये है कि उनकी हर फिल्म अब ग्रैंड होनी चाहिए ताकि वो बाहुबली के लेवल को मैच कर सके और फैंस की डिमांड को सेटिस्फाई कर सके। अब लगता है कि फिल्म मेकर्स जो प्रभास के साथ काम करना चाहते हैं वो भी इस फैक्ट को दिमाग में रख रहे हैं और अब वो उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आज तक इंडियन सिनेमा में यूज नहीं हुई है। अभी हाल ही में ये खबर थी कि प्रभास की आने वाली फिल्म सलार को डार्क सेंट्रिक थीम का इस्तेमाल कर बनाया जाएगा, जिसका मतलब है कि फिल्म के ज्यादातर सीन्स में डार्क शेड के विजुअल्स देखने को मिलेंगे। क्या आप जानते हैं कि आज तक ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ द मैट्रिक्स, द बैटमैन ट्रिलॉजी और टेनेट जैसी हॉलीवुड फिल्म्स में यूज हुई है। उसके अलावा प्रभास की एक और आने वाली फिल्म राधे श्याम भी पहली ऐसी इंडियन फिल्म है जिसमें वर्चुअल प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। उसके बाद प्रभास सई अली खान के साथ फिल्म आदि पुरुष में भी नजर आएंगे। ओम राउत द्वारा निर्देशित इस फिल्म में पहली बार किसी इंडियन फिल्म के मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। इस फिल्म में कृति सनन और सनी सिंह भी अहम रोल में है। ये फिल्म 3D में भी रिलीज की जाएगी जिससे इसका मजा दो गुना हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये तो बात रही उन फिल्म की जिनकी शूटिंग प्रभास
कर चुके हैं या कर रहे हैं और उनमें ये टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। लेकिन एक फिल्म ऐसी है जो अभी तक ऑफिशियल तरीके से अनाउंस भी नहीं हुई है और फैंस पहले से इसके लिए पागल हुए जा रहे हैं। ये फिल्म है प्रभास की बाहुबली थी। इस फिल्म में प्रभास एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे जिसे हॉलीवुड में फिल्मिंग द फ्यूचर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आमतौर पर हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है उसे 24 फ्रेम्स पर सेकंड शूट किए जाते हैं जबकि इस टेक्नोलॉजी की यूज से ये डबल यानी कि सीधा 48 फ्रेम्स पर सेकंड किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी का यूज फिल्मिंग के काम को आसान और कम टाइम लेने। मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनात की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। आखिर कौन है वामिका? बाहुबली 3 होगी स्पिन ऑफ, क्यों रिप्लेस किया गया पुरानी राजमाता को? हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज के एक नए और फ्रेश वीडियो में और मैं हूं आपके साथ अनिश्वत त्यागी। अगर अफवाहों पर विश्वास किया जाए तो हो सकता है कि वामिका गब्बी को मेगा फिल्म बाहुबली 3 में एक निडर न्यायाधीश महारानी शिवगामी के रूप में फिल्म निर्माता SS राजामौली की बाहुबली सीरीज के प्रीक्वल में देखा जा सकता है। दोस्तों माना जा रहा है कि बाहुबली 3 वामिका युवा शिवगामी की भूमिका निभा सकती हैं। आखिर साउथ की स्टार नयनतारा भी इस पीरियड ड्रामा में एक प्रमुख भूमिका निभाती नजर आएंगी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हाल ही में रिलीज में अपने आकर्षक और परफॉर्मेंस से दर्शकों को और आलोचकों को मंत्रमुग्ध करने वाली वामिका गब्बी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें दोस्तों वो एक प्रोफेशनल की तरह ही तलवारबाजी का अभ्यास करती नजर आई हैं। उन्होंने अपने दुश्मनों पर घातक हमला करते हुए और एक मंजे हुए योद्धा की तरह हमले का बचाव करते हुए देखा जा सकता है। बता दें दोस्तों कि अभिनय नेटफ्लिक्स बाहुबली बिफोर द बिगनिंग पर आने वाली सीरीज से शिवगामी के किरदार के लिए उनकी भूमिका भी हिस्सा हो सकता है। अगर दोस्तों ये तलवारबाजी असली है तो उन्हें प्यारी मनु से निडर योद्धा के रूप में देखना उनके सभी प्रशंसकों के लिए एक सुखद आश्चर्य होगा। लेकिन क्या दोस्तों ने शिवगामी पुरानी राजमाता के सेट के लिए कई रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगी? राजमाता के रोल के साथ साथ बाहुबली 3 में बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान से भी बातचीत चल रही है। सब कुछ सही रहा तो दोस्तों फिल्म में सलमान खान भी नजर आ सकते हैं और हो सकता है कि फिल्म में सलमान के साथ अमिताभ भी बाहुबली 3 में नजर आए। मगर इस फिल्म में प्रभास नहीं होंगे ये पक्का है क्योंकि दोस्तों प्रभास आजकल अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं और SS राजामौली भी अब नए चेहरों के साथ काम करना चाहते हैं। यही कारण है कि वामिका को राजमाता के साथ दोस्तों बता रहा है। बाहुबली की कहानी पहले 2 पार्ट से एकदम अलग होगी। इसमें ज्यादा फोकस राजमाता शिवगामी पर दिखाया जाएगा और एक तरह से ये बाहुबली का स्पिन ऑफ हो सकता है जिसमें किसी के किरदार की छानबीन की जाए। दोस्तों बाहुबली 3 में ये छानबीन शिवगामी के साथ की जाएगी। आपको बता दें दोस्तों कि इस सिलसिले में कलाकार राणा दग्गुबाती से भी बात की जिन्होंने बताया कि वो इस फिल्म में दिखाई नहीं देंगे क्योंकि दोस्तों ये उनकी नहीं बल्कि उनकी माँ की कहानी है। राणा के अनुसार ये फिल्म हमारी नहीं बल्कि हमारी माँ की कहानी है। इस कहानी में हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था तो हम कैसे दिखाई दे सकते हैं फिल्म वेब सीरीज पर। और दोस्तों वेब सीरीज का सब्सक्राइबर बेस क्या गड़बड़ कर दी बाहुबली के राइटर्स ने और क्यों बनाया गया बाहुबली 3 को एक सीरीज में और ना कि एक फिल्म में। स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में जहां हम देते हैं आपको बॉलीवुड और उससे जुड़ी सबसे लेटेस्ट और दोस्तों दिलचस्प खबरें। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म बाहुबली 3 की और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी।
दोस्तों ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली भला किसको याद नहीं होगी। साउथ एक्टर प्रभास की दमदार परफॉर्मेंस वाले इस मूवी के सीन आज तक लोगों के जहन में ताजा है और इसमें दिखाया गया कटप्पा का कैरेक्टर तो मानो अमर हो गया है। ऐसे में दोस्तों नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज बना रहा है जिसका नाम बाहुबली बिफोर द बिगिनिंग है। काफी शूटिंग भी कर ली गई है जिसमें करीब 100 करोड़ रुपए तक का खर्चा भी हो गया है, मगर दोस्तों नेटफ्लिक्स ने अभी तक की शूटिंग को रिजेक्ट कर दिया है। पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को इसका अब तक का शूट हुआ कंटेंट पसंद नहीं आया है और ऐसे में अभी सीरीज को रिलीज ना करने का फैसला किया गया है। शूटिंग रिजेक्ट होने से करीब 100 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए हैं, मगर दोस्तों नेटफ्लिक्स ने शूटिंग को नए सिरे से शुरू करने के लिए बजट को दोगुना कर दिया है। अब इसके लिए करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और दोस्तों तभी तय कर लिया गया था कि बाहुबली सीरीज की फिल्मों का जो आवा मंडल है ये सीरीज भी उसी हिसाब की बननी चाहिए। अब जाकर ये तय हुआ है कि ये सीरीज पहले से दोगुने बजट पर बनेगी और इसका पूरा लेखन भी नए सिरे से होगा। अभी तक दर्शकों ने फिल्म बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कंफ्यूजन देखा है, मगर दोस्तों नेटफ्लिक्स ने बाहुबली बिफोर द बिगनिंग दिखाने का मन बनाया है। मतलब इसमें बाहुबली द बिगनिंग से पहले के किस्सों को दर्शाया जाएगा और ये एक तरह का प्रीक्वल होगा। मेकर्स ने इसके प्रीक्वल को एक सीरीज बनाने का फैसला किया है क्योंकि नेटफ्लिक्स को इस सीरीज के हिंदी संस्करण से अपना सब्सक्राइबर बेस कई गुना बढ़ाने की उम्मीद है। दोस्तों दर्शकों में सीरीज को लेकर क्रेज बना रहा है और इसलिए इसे दिलचस्प तरीके से बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि सीरीज में राहुल बॉस, अतुल कुलकर्णी, स्निग्धा अकोलकर और विजय आनंद के साथ मुख्य भूमिका में मृणाल ठाकुर को कास्ट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों बता दूं कि बाद में नेटफ्लिक्स ने कास्ट को फिर से बदलने का मन बनाया है। कहा जा रहा है कि मृणाल को रानी शिवगामी की भूमिका निभानी थी, लेकिन दोस्तों अब उन्हें वामिका गब्बी से रिप्लेस कर दिया जा रहा है। नेटफ्लिक्स की बाहुबली बिफोर द बिगनिंग आनंद नीलकंठ की किताब द राइज ऑफ शिवगामी पर आधारित है। दोस्तों बता दूं कि सीरीज में करीब 9 एपिसोड होंगे और इसमें शिवगामी के एक विद्रोही लड़की से एक भागशाली रानी बनने के सफर को दिखाया जाएगा। यदि आंसू का एक कतरा भी बहा वो आंसू की बूंद नहीं ज्वाला का रूप लेगी।